ओके सो कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन। सो नेक्स्ट सेक्शन में वी विल स्टडी अबाउट यूनिट्स स्पेसिफिकली फॉर लेंथ। ओके सो अभी तक हमने बहुत सारी टाइप्स की यूनिट्स देखी थी, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे स्पेसिफिक टू लेंथ कुछ यूनिट्स देखेंगे, ठीक है। तो लेंथ मेजर करने के लिए मिनिमम यूनिट्स क्या होते हैं, या फिर मैक्सिमम डिस्टेंस मेजर करने के लिए सबसे बड़ा लेंथ का यूनिट क्या होता है, ठीक है। तो वो सारे यूनिट्स हम देखेंगे, और इन यूनिट्स को एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे करते हैं, क्योंकि लेंथ की यूनिट है ना। तो एक ही सो टाइप तो सेम है, इट इज ऑफ सेम टाइप विच इज लेंथ, बट उसके मेजरमेंट्स अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप आपको प्रॉब्लम्स में दिया रहेगा कि आपको इस यूनिट में स्पेसिफिकली आंसर निकालना है, ठीक है, तो एक यूनिट से दूसरे यूनिट में आप कन्वर्ट कैसे करोगे। इट्स जस्ट दैट वी चेंज द स्केल, ठीक है। तो हमारा स्केल जो है आप वो एडजस्ट करते हैं हम, ठीक है, ताकि हमको जो रिक्वायर्ड मेरा यूनिट है उसमें उसका आंसर आए, ठीक है। ओके तो यूनिट्स ऑफ लेंथ में एसआई यूनिट्स हम पढ़ेंगे। एसआई इज द स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स। ओके सो एसआई यूनिट्स के बारे में ही हम जानेंगे। सो सीजीएस एफपीएस एज वी सी दैट उसमें की उसमें सारे फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट्स है नहीं, ठीक है, और इट्स इट्स वेरी बेसिक, ठीक है। तो अब फ्यूचर में जो जो भी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे दैट विल बी एसआई, ठीक है, मोस्टली दैट विल बी एसआई। ओके सो एसआई यूनिट्स ऑफ लेंथ इज मीटर। सो स्टैंडर्ड यूनिट जो लेंथ का है वो मीटर है, ठीक है। तो अब मीटर तो फिक्स है, ठीक है। सो मीटर विल बी फिक्स, इट इज ऑलमोस्ट लाइक 3.3 फीट, ठीक है। तो अब अभी अगर मुझे कुछ मेजर करना है विच इज मच स्मॉलर देन मीटर, लेट्स से आई हैव एन इरेजर एज स्मॉल एज एन इरेजर, ठीक है। तो अब उसको तो हम मीटर में नहीं मेजर कर सकते ना, मीटर के स्केल से मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। तो मीटर से जो छोटे यूनिट्स जो होते हैं वो मीटर के ही टर्म में होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मिलीमीटर हो गया, या सेंटीमीटर हो गया, डेसीमीटर हो गया, ठीक है। तो उसका मीटर से क्या रिलेशन है वो हमको देखना है उसमें, ठीक है। अब कुछ चीज़ें जो मीटर से बहुत बड़ी है, जैसे लेट्स से डिस्टेंस हो गया, जैसे अब दो दो जगह का डिस्टेंस है, ठीक है, और कोई एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस है, जैसे कि दो प्लैनेट्स के बीच में कितनी दूरी है, अर्थ और सन के बीच में कितनी दूरी है, तो ये सब तो आप मीटर में मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके लिए और बड़ी बड़ी यूनिट्स होती है, बट वो मीटर के टर्म में हो सकती है, ठीक है। उसे मीटर के टर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट इन अ शॉर्टर फॉर्म वी यूज अ डिफरेंट यूनिट फॉर दोज एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ओके सो लेट्स सी। सो मीटर वाज ओरिजिनली डिफाइंड इन 1989, यू डोंट रिमेंबर द डेट, एज द डिस्टेंस बिटवीन टू मार्क्स ड्रॉन ऑन अ प्लैटिनम इरिडियम एंड एलॉय विथ 90% प्लैटिनम एंड 10% इरिडियम रॉड केप्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस इन द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एट सीवर्स नियर पेरिस। ओके सो मे बी देर इज अ कमिटी और सम काइंड ऑफ ग्रुप विच मेंटेन दीज थिंग्स, ठीक है। तो एक इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स है जिसमें साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया कि एक स्टैंडर्ड बनाने के लिए कि 1 मीटर का स्केल कितना बड़ा होना चाहिए, ठीक है। ऐसा स्टैंडर्ड क्यों बनाते हैं, क्योंकि जगह के हिसाब से आपका रूम टेम्परेचर थोड़ा बहुत चेंज होता है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत चेंज आपका लेंथ में के मेजरमेंट स्केल में आ सकता है। लेट्स से आपका स्केल जो है वो मेटल का है, ठीक है। तो अब मेटल रहेगा तो वो टेम्परेचर के हिसाब से थोड़ा थोड़ा वो चेंज होता है। अगर आपको पता होगा कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो चीज़ें एक्सपैंड करती है, और टेम्परेचर अगर कम है तो चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो इट्स इट्स नॉट 100% एक्यूरेट कि वो 1 मीटर का जो अगर मेटल का स्केल है वो उतना ही बड़ा रहेगा, ठीक है। वो थोड़ा बहुत बहुत माइन्यूट में भी मिलीमीटर से भी छोटा चेंज हो सकता है, ठीक है। तो इन्होंने कांस्टेंट करने के लिए क्या किया कि दे हैव केप्ट द रॉड एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे एक स्टैंडर्ड कर दिया कि इतना 0 डिग्री सेल्सियस पे जितना उस स्केल का लेंथ रहेगा। तो एंड द स्केल इज मेड आउट ऑफ अ मेटल, ओके, विच इज एन अलॉय ऑफ प्लैटिनम एंड इरिडियम।
ओके, सो इरिडियम इज ऑल्सो अ मेटल एंड प्लैटिनम इज ऑल्सो अ मेटल. सो ये दोनों मेटल का जो एलॉय था तो उसमें 90% प्लैटिनम है. सो प्लैटिनम इज द वन दैट इज यूज इन रिंग्स और है ना ऑर्नामेंट्स में यूज होता है प्लैटिनम. ठीक है, इट्स वेरी एक्सपेंसिव. तो 90% प्लैटिनम और 10% इरिडियम यूज करके इन्होंने एक एलॉय बनाया. ठीक है, मे बी ऐसा इसलिए इन्होंने बनाया होगा क्योंकि इसका जो चेंज है विथ टेम्परेचर इस एलॉय का वो मिनिमम होगा. आई एम गेसिंग. ठीक है, तो मिनिमम होगा इसलिए ये पर्टिकुलर मेटल यूज किया. ओके, सो दैट इज वाई दे हैव टेकन दिस एलॉय एंड दे हैव एज अ दे हैव मार्क द डिस्टेंस बिटवीन टू मार्क्स ड्रॉन ऑन अ प्लैटिनम एंड इरिडियम रॉड. सो दे हैव टेकन अ रॉड. ओके, और वो रॉड इज मेड आउट ऑफ प्लैटिनम एंड इरिडियम और 90% प्लैटिनम है, 10% उसमें इरिडियम मिला हुआ है. ठीक है, एंड दे हैव केप्ट इट एट 0 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस एज मैंने बताया कि क्यों क्यों रखा गया, ताकि क्योंकि टेम्परेचर के साथ मेटल का जो लेंथ है या फिर उसका वॉल्यूम है वो थोड़ा चेंज होता है. ठीक है, तो अगर टेम्परेचर हाई रहेगा, लेट्स से इफ यू मेजर इट इन समवेयर विच इज वे हॉटर, विच इज मे बी इन द इक्वेटर, समवेयर इन द इक्वेटर. ठीक है, तो इसका टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, ऑलमोस्ट 45 डिग्रीज पे रहेगा, तो उस पे आपका उसका लेंथ चेंज हो सकता है. और अगर आप बहुत ही कोल्ड जगह पे चले जाओ जैसे साउथ पोल या नॉर्थ पोल में, तो वहाँ बिलो 0 डिग्रीज रहता है, वे बिलो 0 डिग्री रहता है, तो वहाँ पे वो थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है. ठीक है, तो थोड़ा सा आपका मेजरमेंट में हल्का माइन्यूट चेंज हो सकता है. अब एक्सपेरिमेंटल में वी नीड 100% एक्यूरेसी. 100% तो नहीं होता है, बट 99.9% एक्यूरेसी चाहिए होता है इनको. तो इसीलिए ये स्टैंडर्ड कर दिया कि 0 डिग्री पे जो लेंथ होगा प्लैटिनम इरिडियम रॉड का, ठीक है, ऑफ ऑफ वन वन मीटर लेंथ, सो दैट इज अ स्टैंडर्ड. ओके, दैट वाज ओरिजिनली डिफाइंड इन 1989. सो इट्स ओरिजिनली डिफाइंड, बट इसके बाद फिर ये चेंज भी हुआ. ठीक है, सो लेटर इन 1960s जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हुआ, जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स और जो भी मॉलिक्यूल्स के और छोटे छोटे चीज़ों को स्टडी करने की कैपेबिलिटी हुई साइंस की, देन वी फाउंड डिफरेंट स्टैंडर्ड्स. ठीक है, टू मेजर द और स्टैंडर्डाइज 1 मीटर. ठीक है, क्योंकि 1989 में हमारे पास उतने उतने ज़्यादा एडवांस्ड मेजरमेंट्स नहीं थे, एडवांस टेक्निक्स या क्या कहते हैं इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे जिससे हम उतनी छोटी चीज़ों को नाप सके, जो कि मॉलिक्यूल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स और उनकी वेवलेंथ, उनके जो एमिशंस की वेवलेंथ को हम नाप सके, तो इट वॉज नॉट दैट एडवांस्ड. ठीक है, तो जैसे लेटर इन 1960s जब हमारे पास और बेटर टेक्नोलॉजी हुई तो हमने दूसरा स्टैंडर्ड बनाया. ठीक है, सो लेटर इन 1960 सो द मीटर वॉज रीडिफाइंड एज 1,657,673 टाइम्स. सो दिस इज अ फिक्स्ड क्वांटिटी. ओके, सो दिस मच टाइम्स द वेवलेंथ ऑफ अ स्पेसिफाइड ऑरेंज रेड स्पेक्ट्रल लाइन इन एमिशन स्पेक्ट्रम. तो ये क्या चीज है, इसको हम लोग थोड़ा देखते हैं. ठीक है, सो व्हाट इज ऑल दिस एमिशन एंड वेवलेंथ अबाउट. ओके, सो इसको थोड़ा आप समझ लेंगे तो इट विल बी इजियर फॉर यू टू रिमेम्बर. ओके, सो ये क्वांटिटी तो 1,657,673 ये तो फिक्स रहेगी, ये थोड़ा सा आपको मेमोराइज करना पड़ेगा. ओके, और वेवलेंथ क्या होता है. ठीक है, वेवलेंथ ऑफ द स्पेसिफाइड ऑरेंज रेड स्पेक्ट्रल लाइन. सो व्हाट इज ऑरेंज रेड स्पेक्ट्रल लाइन इन द एमिशन ऑफ स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ क्रिप्टॉन 86. ठीक है, सो क्रिप्टॉन 86 इज एन एलिमेंट. ओके, और कुछ एलिमेंट्स हमारे पीरियोडिक टेबल में ऐसे होते हैं जिनमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जैसे कि तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या होता है, दे आर मोर, वो अपने उन उनके पास ज़्यादा एनर्जी होती है. ठीक है, तो हाउ टू एक्सप्लेन दिस, लेट्स से हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, किसी भी मटेरियल का जो मॉलिक्यूल है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं जो कि फिक्स होते हैं. ठीक है,
तो वो भी अर्थ की जैसे हमारा प्लैनेट सिस्टम है, जैसे हमारा सोलर सिस्टम है, ठीक है। तो लेट मी एक्सप्लेन टू यू इन दिस वे। सो लेट्स से अगर कोई मॉलिक्यूल है ना, तो उसका भी मॉलिक्यूल का भी एक 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 सेंटर होता है, एक सेंटर पॉइंट होता है, ठीक है। दिस इज पॉजिटिव, ये मोस्टली पॉजिटिव होता है, ठीक है। और इसके आसपास जो है इसके इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं ऑर्बिट में, जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। इसके अलावा बहुत जितने भी इलेक्ट्रॉन्स उसमें रहेंगे, जितना भी उसका 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 एक मॉलिक्यूलर वेट होता है, ये सब आप अभी नहीं पढ़ेंगे, बट एक एटम ऐसा होता है, जैसे एटम का एक सेंटर होता है, ठीक है। जस्ट लाइक अ सन, ये सन की तरह एटम का एक सेंटर होता है, और सन के जैसे हमारा एटम का जो सेंटर होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। और अभी भी इसके बारे में नहीं बताते कि चार्ज वगैरह पॉजिटिव नेगेटिव डजेंट मैटर, ठीक है। सेंटर होता है और सेंटर के चारों तरफ जो है आपके इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमते हैं आपके ऐसे, ठीक है। जस्ट लाइक आवर सोलर सिस्टम, इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, ठीक है। दे रिवॉल्व, दे की दे हैव द फिक्स मोशन, वो घूमते रहते हैं इसमें, ठीक है। अब ये अलग अलग ऑर्बिट्स में क्यों घूमती है, और ऑर्बिट्स के थोड़ा डिस्टेंस अलग अलग होता है, क्यों होता है? क्योंकि हर ऑर्बिट का एक फिक्स एनर्जी होता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन जो है सबसे छोटा जो इलेक्ट्रॉन है, इसके पास लेट्स से एनर्जी है 1, ठीक है। तो अगर इसको हम और एनर्जी प्रोवाइड करें, ठीक है, इसको हम और एनर्जी प्रोवाइड करें +1, इसकी एनर्जी बढ़ा दें हम, तो ये दूसरा ऑर्बिट में जा सकता है, ठीक है। तो ये दूसरा ऑर्बिट में जा सकता है, ठीक है, क्योंकि हर ऑर्बिट की एनर्जी अलग होती है, और एनर्जी और ज्यादा होते रहती है, ठीक है। तो वो बढ़ते रहती है, ओके। तो अगर आप ये ऑर्बिट में जाएंगे, तो दिस नीड्स मोर एनर्जी, तो इसके इस यानी कि इस इलेक्ट्रॉन के पास और भी ज्यादा एनर्जी है, इसलिए वो और दूर है, ठीक है। एनर्जी ज्यादा है इसलिए एक्चुअली ये सेंटर जो होता है ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करता है, जैसे सन का ग्रेविटेशनल पुल होता है ना, तो जिसकी वजह से जो प्लैनेट्स होती है वो आपके ऑर्बिट में ही घूमते रहती है, वो ऑर्बिट से बाहर नहीं जाती है। क्यों नहीं जाती है? क्योंकि अर्थ सन उसको कॉन्स्टेंटली पुल करते रहता है अपनी तरफ, ठीक है। और उसकी जो प्लैनेट की खुद की भी एक एनर्जी होती है, जिसकी वजह से वो घूमता रहता है, वो एक्चुअली बाहर जाना चाहता है बट वो जा नहीं पाता है क्योंकि सन उसको पुल करता रहता है, तो इसलिए वो गोल गोल घूमता रहता है, ठीक है। सो एट एवरी पॉइंट इट हैज अ टेंडेंसी टू गो आउट एंड एंड जंप, ठीक है। वो फ्री होके वो बाहर जाना जाने का उसमें टेंडेंसी होता है, बट क्योंकि ये इसको अपनी तरफ पुल करता रहता है सेंटर, तो इस वजह से वो बाहर नहीं जा पाता है, वो सर्कल में ही घूमता रहता है। तो यू कैन इमेजिन यू होल्डिंग अ थ्रेड, और उस थ्रेड के एंड में लेट्स से अगर कुछ स्टोन या बॉल है और आप उसको गोल 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 घुमा रहे हो, ठीक है। दैट बॉल हैज अ टेंडेंसी टू गो आउट। लेट्स से अगर आपके पास एक कैटापुल्ट है, ठीक है, उसमें क्या स्टोन लगा रहता है लास्ट में, है ना, और जैसे ही आप उसको छोड़ते हो तो स्टोन सीधा जाता है ना। सो इट इज जस्ट लाइक दैट। तो क्योंकि आप उसको थ्रेड से पकड़ के गोल गोल घुमा रहे हो, अपनी तरफ पुल कर रहे हो, तो वो निकल नहीं पाता है, और जैसे ही आप उसको रिलीज करते हो, इट इट जस्ट फ्लाइज ऑफ इन द स्ट्रेट लाइन, है ना। तो अब इसमें भी वही सेम चीज कॉन्सेप्ट होता है। तो जैसे हमारे ये एटम है ना, तो एटम में कुछ चार्जेस सेंटर पे होते हैं, कुछ चार्जेस आपके इलेक्ट्रॉन्स अच्छा चार्जेस पे नहीं जाते, बट कुछ जैसे लेट्स से ये कोर जो है हमारा कोर, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ होल्ड करके रखता है, और इलेक्ट्रॉन्स है टेंडेंसी टू गो आउट, तो ये सर्कल में इतना घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, और हर एक जो जो ऑर्बिट है, हर एक ऑर्बिट की अपनी अपनी एक फिक्स एनर्जी है। जैसे लेट्स से अभी इसका इसका एनर्जी 1 है, सो सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी 2 है, थर्ड ऑर्बिट का एनर्जी 3 है, और सर फोर्थ ऑर्बिट का लेट्स से एनर्जी 4 है, तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है बेसिकली, ठीक है। तो अब क्या होता है, रेडिएशन कैसे प्रोड्यूस होता है? लेट्स से ये जो बाहर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, जो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनपे ज्यादा एनर्जी होती है, तो वो ज्यादा फ्री होते हैं, तो दे आर मोस्टली कॉल्ड एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फ्री होता है, तो अगर आप कुछ एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड कर दे, और या फिर लेट्स से आप इस ये थर्ड वाला ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन्स को आप कुछ एनर्जी प्रोवाइड करो, ठीक है, आप इसको एक्साइट करो या फिर कुछ एनर्जी इसको प्रोवाइड करो, तो ये क्या करेगा ना, ये अपने ऑर्बिट से जंप करके ये नेक्स्ट ऑर्बिट में चला जाएगा,
ठीक है, और वो वहां घूमने लगेगा। ठीक है, अब एमिशन कैसे प्रोड्यूस होता है? तो जब अब लेट से जब वो वापस अपनी ऑर्बिट में आता है, वो जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है जब अपनी वापस अपनी ऑर्बिट में आता है, तो वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी इसके पास थी जो हमने एक्सटर्नली प्रोवाइड की थी, वो एनर्जी उसको रिलीज करेगा। वो इट विल रिलीज इट्स एनर्जी, और वो जो रिलीज करता है एनर्जी वो इज इन फॉर्म ऑफ एमिशन, तब हमारा एमिशन होता है। ठीक है, और इस एमिशन से कुछ स्पेक्ट्रम निकलता है। स्पेक्ट्रम जैसे कि आप समझते हो, जैसे लेट्स से रेनबो, जो रेनबो होता है ना, तो रेनबो में एक स्पेक्ट्रम होता है ना 7 कलर्स का, तो उसी तरह से कुछ कलर्स के इसमें एमिशन निकलते हैं। ठीक है, तो कलर्स आ का एमिशन निकलता है जिसको जिसका अलग अलग वेवलेंथ होता है। सो हर कलर का अलग अलग वेवलेंथ होता है, दैट्स अनदर टॉपिक। ठीक है, हर कलर का अलग अलग वेवलेंथ होता है। तो लेट्स से एमिशन हुआ और इसमें मुझे लेट्स से 3 कलर्स मिले। ठीक है, लेट्स से रेड, ब्लैक, ब्लू और ग्रीन, लेट्स से मुझे 3 कलर्स मिले। तो ये तीनों कलर का अलग अलग वेवलेंथ होता है। तो अगर एनर्जी इस फॉर्म में रिलीज हुई है, ठीक है, तो इफ यू टेक द वेवलेंथ ऑफ हियर रेड, ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जब क्रिप्टॉन 86, लेट्स से इफ दिस इज अ क्रिप्टॉन 86, क्रिप्टॉन 86 है, ओके, सो उसका जो स्पेक्ट्रल लाइन है ना, सो स्पेक्ट्रल लाइन इज व्हाट एवर द एमिशन इज हैपन, ओके, सो अगर क्रिप्टॉन 86 का जो एमिशन हुआ है, एमिशन स्पेक्ट्रम जो है उसमें, तो उसमें लेट्स से ऑरेंज रेड भी एक कलर होता है। ठीक है, तो ऑरेंज रेड का जो वेवलेंथ है, तो उसमें बहुत सारे कलर्स निकले हैं, और साथ में एक ऑरेंज रेड भी है, लेट्स से ऑरेंज रेड भी है इसमें, ऑरेंज रेड भी है इसमें, तो उस कलर का जो वेवलेंथ है ना, तो उस कलर का जो वेवलेंथ है उसका इतना टाइम्स, ओके, सो हर एक जो कलर होता है, जैसे लेट्स से रेड कलर है ना, तो वेवलेंथ क्या होता है, जैसे वेवलेंथ कम्स फ्रॉम एक्चुअली ऑसिलेशन, वो फ्रीक्वेंसी होती है उसकी। तो अभी आप वेवलेंथ कैसे जैसे हर एक कलर की एक वेवलेंथ, ऐसा वेव्स होते हैं, ठीक है, जैसे एक साइनसॉइडल वेव्स होता है, ऐसा ऐसा वेव्स होता है, ठीक है, जैसे बहुत सारे वेव्स होते हैं। ठीक है, लेट्स से ये रेड कलर का वेव है, ओके, और लेट्स से यहाँ पे मेरा ग्रीन कलर का वेव है, ठीक है, लेट्स से ग्रीन कलर का वेव है, ये साइनसॉइडल वेव्स होते हैं। उसके अलावा लेट्स से अब ब्लू कलर का वेव है, तो ये और छोटा रहेगा, और छोटा। ठीक है, तो अभी जैसे आप इसके बीच में अगर एक ऐसा लाइन बनाओ, ठीक है, तो अभी आप देखोगे तो ये सेम वेव जो है ये रिपीट होती है। जैसे ये एक वेव हो गया, यहाँ से यहाँ तक एक वेव हुआ, ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ तक एक दूसरा वेव हुआ, है ना, फिर यहाँ से यहाँ तक, अब ये सेम चीज़ रिपीट होगी उसी फ्रीक्वेंसी में। फ्रीक्वेंसी यानी कि वो इतना ही टाइम लेगा यहाँ से यहाँ ट्रैवल करने में, इतना फिक्स टाइम रहेगा, ये चीज़ फिक्स रहेगी, ये फिक्स रहेगी, ठीक है, थ्रू आउट, ओके, ये थ्रू आउट फिक्स रहेगी, ओके। तो अब वेव लेंथ जो है वो इस लेंथ को बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ रहेगा दिस इज वन वेव लेंथ, ओके, और हर कलर की वेव लेंथ अलग अलग होती है, ठीक है, जो कि बहुत ही छोटी होती है, बहुत ही छोटी होती है। ठीक है, दे कैन दे हैव डिफरेंट डिवाइसेस टू मेजर दीज वेवलेंथ्स। ठीक है, तो ये सब मेजर किया गया है, ये साइंटिस्ट ने मेजर करके रखा है कि रेड का इतना होता है, ऑरेंज रेड का इतना होता है। ठीक है, अब ये लेट्स से ग्रीन है, तो इसका अलग वेवलेंथ होगा। अभी इसका वेवलेंथ अगर आप देखिए, इसमें अगर आप ऐसे लाइन बनाइए, तो इसकी जो एक वेवलेंथ यहाँ से यहाँ तक, ये छोटा है ना, ये वेवलेंथ छोटा है। ठीक है, तो हर एक कलर का फिक्स वेवलेंथ होता है। अभी लेट्स से दिस इज ब्लू, तो इसका और भी छोटा है ना, सो दिस इज जस्ट दिस मच, ओके, एंड दिस इज जस्ट दिस मच, तो दिस इज व्हाट वेवलेंथ इज अबाउट। ठीक है, तो कलर को बहुत ही माइक्रोस्कोपिक व्यू से अगर इन्होंने देखा है, तो उसका वो एक उसका एक वेवलेंथ होता है स्पेसिफिक। ठीक है, तो इसका भी वैल्यूज फिक्स्ड है, ओके, तो इन्होंने इसलिए ऑरेंज रेड स्पेक्ट्रल लाइंस का वेवलेंथ को एज अ स्टैंडर्ड रखा है। ठीक है, तो ये कैसा दिखेगा, वी कैन लुक फॉर एन इमेज,
Okay, so it will be something similar to this. Let's say if you see this image here, okay, तो इसमें अलग अलग कलर्स के लाइट निकलेंगे ठीक है. जब वो रेडिएशन करेगा, जब क्रिप्टॉन का कुछ रेडिएशन निकलेगा, when it is excited and when it come back to its original position, तो इलेक्ट्रॉन्स कुछ एनर्जी एमिट करेगा ठीक है. और जब वो एनर्जी एमिट करेगा तो उसमें से कलर्स के वेवलेंथ इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी निकलता है ठीक है. अब जैसे लेट्स से ये ऑरेंज रेड है ना, तो इसका जो वेवलेंथ है उसको उस वेवलेंथ का, तो वेवलेंथ जो होता है, वेवलेंथ जो है वो भी मेजर किया जा सकता है ठीक है. ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है, दिस इज अ वेवलेंथ, इसको भी मेजर किया जा सकता है. दिस इज ऑल्सो वेरी 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 स्मॉल ठीक है. तो इस वेवलेंथ का इतना टाइम्स 1,650 टाइम्स, क्योंकि ये बहुत ही छोटा है ना, बहुत ही छोटा है, तो इसको हम 1,000,000 इतना 1.5 मिलियन टाइम्स से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे उस वेवलेंथ को है ना, वो छोटा सा जो वेवलेंथ है, वो जो इतना छोटा सा वेवलेंथ है उसको अगर हम 1.6 मिलियन टाइम्स अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जितना बड़ा होगा दैट इज 1 मीटर ठीक है. और हर जो जो कुछ कुछ अलग अलग एलिमेंट्स की जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती है और स्पेक्ट्रम एमिशन स्पेक्ट्रम होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है. इसीलिए स्टैंडर्ड के लिए क्रिप्टॉन 86 जो है उसका जो एमिशन स्पेक्ट्रम है जब वो रेडिएशन एमिट कर रहा है और जो कलर्स निकल रही है, तो उसका जो एमिशन का स्पेक्ट्रम है उसकी जो ऑरेंज रेड स्पेक्ट्रल लाइन है जो कि ये है, अच्छा ऑरेंज रेड स्पेक्ट्रल लाइन है ठीक है. तो इस ऑरेंज रेड स्पेक्ट्रल लाइन की जो वेवलेंथ है ना, आगे हम वेवलेंथ का भी यूनिट्स देखेंगे कि वेवलेंथ का यूनिट क्या होता है, विच इज इन टर्म्स ऑफ मीटर, बट बहुत 10 to the power बहुत नेगेटिव होता है ठीक है. तो उसका जो ऑरेंज रेड स्पेक्ट्रल लाइन का जो वेवलेंथ है ठीक है, उसको आप इतने टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 1.5 विच इज 1.65 मिलियन टाइम्स अगर आप मल्टीप्लाई करो ठीक है, तो दैट इज स्टैंडर्डाइज एज 1 मीटर ठीक है. होपफुली कुछ क्लियर हुआ होगा. ओके, तो सो इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज 1 मीटर इन 1 मीटर इज 1.553164 टाइम्स द वेवलेंथ ऑफ द रेड लाइन इन द एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ कैडमियम. अब लेट्स से दिस इज अनदर एलिमेंट ठीक है. तो ये एक 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 स्टैंडर्ड तो ये हो गया, इन्होंने मेजर किया ठीक है, विच इज क्रिप्टॉन 86 है ना. तो क्रिप्टॉन 86 एक एलिमेंट है, इसका जो स्पेक्ट्रल एमिशन के हिसाब से इन्होंने मेजर किया ठीक है. अब लेट्स से देयर इज अनदर एलिमेंट विच इज कैडमियम ठीक है. अब कैडमियम जो है उसमें भी सिमिलर काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट रहेगा, क्योंकि हर एक जो एटम होता है ना वो इसी तरह का रहता है, बट इसमें एलिमेंट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स अलग होते हैं और सबकी एनर्जी भी अलग होती है, ऑर्बिट्स अलग अलग होती है. लेट्स से हर एक का अपना अलग सोलर सिस्टम टाइप होता है ठीक है, तो वैसी चीज होती है इसमें ठीक है. अब नाउ लेट्स से एक कैडमियम एलिमेंट है ठीक है. अब कैडमियम की भी ऐसी खुद की अपनी सोलर सिस्टम है जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स को अगर एक्साइट किया जा रहा है तो वो दूसरे ऑर्बिट में चला जा रहा है ना, दूसरे ऑर्बिट में वो जंप कर रहा है. अब जब वो रिटर्न कर रहा है तो वो जो है एमिशन रेडिएशन एमिट करता है, रेडिएशन एमिट करता है ठीक है, विच इज इन फॉर्म्स ऑफ वेवलेंथ्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कलर्स है ना, इन फॉर्म्स ऑफ, सो लेट्स से रेड ब्लू ग्रीन, सबकी अपनी अपनी वेवलेंथ है, किसी की छोटी है किसी की बड़ी है ठीक है. ओके, तो उसी तरह से कैडमियम जो एलिमेंट है तो उसका जो एमिशन स्पेक्ट्रम है ओके, तो उसकी रेड लाइन को लिया गया है यहाँ पे ठीक है. और जो क्रिप्टॉन 86 था उसमें आपका ऑरेंज रेड का वेवलेंथ को लिया गया है, यहाँ पे रेड लाइन जो उसमें है एमिशन में जो रेड लाइन है उसकी वेवलेंथ को ली गई है ठीक है. और उसका 1.5 मिलियन टाइम्स है
वेवलेंथ ऑलमोस्ट इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ 10^-6 meters, ठीक है, इतना छोटा रहता है वो, -6 में रहता है, ओके okay. तो उसका जो उसका वन पॉइंट और नॉट वन पॉइंट बट 1553164 टाइम्स, यानी कि ऑलमोस्ट 1.553164 मिलियन टाइम्स जो है जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ ऑफ द रेड लाइन, ठीक है, वेवलेंथ ऑफ द रेड लाइन इन द एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ कैडमियम, ठीक है. तो होपफुली अब ये याद रहेगा आपको. तो उसका लेंथ को एज अ स्टैंडर्ड लिया गया. ओके, नाउ इन 1983 दे डिड समथिंग एल्स. ओके, नाउ लेट्स से 1983 में उन्होंने क्या, सॉरी, सो 1983 में देर वॉज अनदर एक्सपेरिमेंट विच वॉज कंडक्टेड. इसमें क्या किया है कि मीटर वॉज रीडिफाइंड इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट. अब स्पीड ऑफ लाइट के टर्म्स में भी इन्होंने मीटर को डिफाइन किया गया. तो स्पीड ऑफ लाइट में क्या होता है, जैसे स्पीड ऑफ लाइट इफ यू ओके, तो स्पीड ऑफ लाइट इज कितना होता है, थ्री, ऑलमोस्ट थ्री, दिस इज नॉट इक्वल्स टू थ्री बट दिस इज लाइक ऑलमोस्ट टेंड्स टू थ्री, ठीक है. सो 3×10^8 मीटर पर सेकेंड होता है, विच इज स्पीड ऑफ लाइट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से, ठीक है, सी से हम स्पीड ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है. तो अब जैसे यहाँ पे हमको पता है कि 3×10^8 मीटर पर सेकेंड होता है, तो इसके हिसाब से जैसे आपका आपका ये स्पीड है, स्पीड आपको पता है, तो इसके हिसाब से आपको डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है, बिकॉज स्पीड इक्वल्स टू व्हाट, डिस्टेंस बाय टाइम, है ना. तो एक सेकेंड में अगर आप सेकेंड को कॉन्स्टेंट कर दो विच इज वन, तो अगर इसको आप वन कर दो तो ऑलमोस्ट स्पीड विल बी इक्वल्स टू वॉट एवर द स्पीड, डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा जो वैल्यू है, ओनली द इसका जो मैग्नीट्यूड है ना, इसका जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो इट विल बी इक्वल. सो हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, हम लोग इसका डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं. डिस्टेंस क्योंकि हमको डिस्टेंस मेजर करना है ना, वन मीटर का हमको वैल्यू स्टैंडर्ड करना है इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, है ना. तो अगर स्पीड ऑफ लाइट इज सी, सो डिस्टेंस को हम लोग सी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है. तो इसीलिए ये यूज किया है इन्होंने. सो ओके, सो कमिंग बैक, तो अब 1983 में इन्होंने और भी एक्सपेरिमेंट्स किए जिसमें इन्होंने कांस्टेंट करने की कोशिश की है मीटर का डिस्टेंस को, कि मीटर एक्चुअली कितना लंबा होता है, ठीक है. सो मीटर वॉज रीडिफाइंड इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, विच इज सी, स्पीड ऑफ लाइट, अकॉर्डिंग टू विच 1 meter इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द लाइट इन 1/299792458 ऑफ अ सेकेंड इन एयर और वैक्यूम, ठीक है. तो एयर या वैक्यूम में अगर वो स्पीड ऑफ लाइट कितना, इतना पार्ट ऑफ अ सेकेंड है ना, ठीक है. सो एयर या वैक्यूम में जो लाइट ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इतने पार्ट ऑफ सेकेंड में, इतना छोटा सेकेंड में, है ना, इतना छोटा सेकेंड में जो लाइट ट्रैवल किया है जो डिस्टेंस, ओके, सो दैट डिस्टेंस इज 1 meter, ठीक है. सो इफ यू नोटिस दिस इज सिमिलर टू ऑलमोस्ट लाइक ये 3 million के, सॉरी, या 300 million के आसपास आपका हो सकता है ऑलमोस्ट, ठीक है. और इसकी पावर कितनी है आपकी, देखिए 9 है ना, सो इन 10^-10^9 है ऑलमोस्ट, है ना. तो उसके सो
ओके ओके सो इसलिए वो वैल्यू आप इस तरह से याद रख सकते हैं, ठीक है। इट इज ऑलमोस्ट टेंडिंग टू लाइक 300 मिलियन, ठीक है। ओके नाउ मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स से सो सब यूनिट्स ऑफ मीटर, सो देर आर सम अदर यूनिट्स ऑफ मीटर एज वेल। Now, sub units because they are small, ठीक है। So for the measurement of small length, और भी छोटा measurement, जैसे कि इन्होंने कहा कि SI unit जो है SI में standard है meter, है ना, SI system में meter is a standard. Now if you have to measure something which is very small as maybe a wavelength, ठीक है, या फिर आपको कोई microscopic organism को measure करना है, let's say, ठीक है, तो उनका तो मीटर में लेंथ होगा नहीं, है ना, तो वो और भी छोटे होंगे। ओके सो नाउ बेस्ड ऑन हाउ मेनी टाइम्स यू आर डिवाइडिंग इट, तो उसका यूनिट्स अलग अलग होगा, ठीक है, बट इट विल बी कन्वर्टेबल इनटू मीटर्स बिकॉज दे आर बेस्ड आउट ऑफ ऑलमोस्ट बेस्ड आउट ऑफ मीटर्स, ठीक है। सो फॉर द मेजरमेंट ऑफ स्मॉल लेंथ द मीटर इज कंसिडर्ड टू बिग अ यूनिट, ठीक है, एंड द मोस्ट कॉमनली यूज सब यूनिट्स ऑफ मीटर आर सेंटीमीटर, जो कि नेकेड आई से दिखता है आपको, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये सब आप नॉर्मल आई से देख सकते हैं, ठीक है, नॉर्मल आई मीन सॉरी बट या नेकेड आई से आप देख सकते हैं विदाउट यूज ऑफ एनी लेंसेस। ओके सो नाउ यू हैव माइक्रोन ऑल्सो एंड नैनोमीटर, तो नैनो 10^-9, माइक्रो इज 10^-6, ठीक है, जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में देखा है। ओके और माइक्रोन का ये यूनिट है, सॉरी ये इसका सिंबल है ना, सेंटीमीटर cm, मिलीमीटर इज mm, एंड नैनोमीटर इज nm। ओके अब सेंटीमीटर जैसे आप इसको 10 से रिलेट करते थे ना, सेंचुरी, ओके सो आप 1 मीटर को 100 टाइम्स डिवाइड कर दो, ओके दैट विल बी 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर आपको लेट्स से अगर कुछ मेजरमेंट दिया हुआ है, तो अगर आपको बोला है कि इसको सेंटीमीटर में आप उसको कन्वर्ट करना है, है ना, तो आप उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एक मीटर में अगर ये मीटर है तो इसमें 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, ठीक है, 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, ठीक है, तो अब 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा, है ना, तो अब ये जो इसको यहाँ पे आप डिवाइड कर दो इधर से, जैसे अब इसको राइट साइड से आप लेफ्ट साइड में जब लेके आओगे तो ये जो आपका ये न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में चला जाता है, ठीक है, तो इट विल बी 1/100 meters इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। जब आप इसको साइड चेंज करोगे तो न्यूमरेटर से ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, इफ इट इज मल्टीप्लाइड देन इट विल बी डिवाइडेड ऑन द अदर साइड, ठीक है। सो अब 1/100 है तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, 10^-2, है ना, तो इतना मीटर हो जाएगा इज इक्वल टू व्हाट, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। सो 1 सेंटीमीटर विल बी इक्वल्स टू 10^-2 meters, ओके। अब सिमिलरली अब मिलीमीटर पे आते हैं, तो मिलीमीटर जैसे मिलियन का होता है, तो मिलियन इसको यहाँ पे 1/10^3 times अगर है, है ना, तो इसको आप 1000 से डिवाइड करोगे, ठीक है। तो अब 1 मीटर जैसे अगर आप इतना लंबा है, इट्स एस एस लेट्स से, सो अगर इसका आप लोग सॉरी इसका अगर आप लोग 1000 times इसको छोटा छोटा करोगे, ठीक है, तो दैट 1 यूनिट विल बी 1 मिलीमीटर, ओके। सो दैट इज सो दैट मीन्स दैट यू आर डिवाइडिंग इट बाई 1000, सो लेट्स से अब 1 मीटर जो है, है ना, 1 मीटर में आपका कितना हो जाएगा, 1000, ओके लेट्स जंप टू दिस, सो लेट्स से 1 मीटर जो है आपका, इसमें आपका 1000 मिलीमीटर्स होते हैं, ठीक है। अब लेट्स से आप इसको साइड चेंज करोगे तो 1/1000 हो जाएगा, ये मीटर का मीटर ही रहेगा, इक्वल्स टू
अब ये 1 हो जाएगा 1 मिलीमीटर, ठीक है। अब इस 1/1000 को आप लिख सकते हो 10^-3 मीटर्स, है ना, इक्वल्स टू 1 मिलीमीटर। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आप और भी उसको डिवाइड करोगे, लेट्स से आप मिलीमीटर से माइक्रो, माइक्रो में आपका 10^-6 है, तो 10^-6 यानी कि आप उसको 6 आई मीन 1 मिलियन टाइम्स डिवाइड कर रहे हो, है ना। 1 मीटर को आप उतने टाइम्स डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, विच विल बी सिमिलर टू दिस। सो लेट्स से अब 1 मीटर में, ठीक है, 1 in 6 zeros हो जाएंगे, ओके, इतना माइक्रोमीटर होगा, ठीक है, विच इज दिस, इतना माइक्रोमीटर होगा, ठीक है। अब सेम चीज आपको करनी है यहाँ पे, इसको आप इतने टाइम्स आप डिवाइड कर दो, अगर वो न्यूमरेटर में है तो यहाँ पे आके वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू 1 माइक्रो, ओके। और इसको आप लिख सकते हो 10^-6 इक्वल्स टू, और ये मीटर में है आपका और ये 1 माइक्रो में, ओके। और माइक्रोमीटर जो है उसको माइक्रोन भी बोलते हैं, है ना, इट्स आल्सो नोन एज माइक्रोन, ओके। अब देखो यहाँ पे रिलेशन बिटवीन मीटर एंड सेंटीमीटर, अब इसको अगर लेट्स से आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, सो लेट्स से आपने अभी ये डिफाइन कर लिया कि 1 माइक्रोन इक्वल्स टू 10^-6 meters, है ना। अब लेट्स से अगर आपको मीटर का चीज़ है उसको आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, इसमें अब मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, है ना, लेट्स से तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, तो इसको अलग कर देते हैं। 1 मीटर में आपके कितने सेंटीमीटर्स होते हैं, 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, है ना, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, सेंचुरी, है ना, 100, ओके। अब 1 मीटर में इतना सेंटीमीटर होता है, तो 10^-6 meters में कितना सेंटीमीटर होगा, आप जो 100 है उसको 10^-6 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना, सो 100 × 10^-6 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो अब 100 × 10^-6 को हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे 100 है, 100 और 10^-6 का मतलब क्या हो जाएगा, 1 / यहाँ पे 6 zeros, ठीक है, क्योंकि माइनस है, पावर माइनस है तो वो डिनोमिनेटर में रहेगा, है ना, तो इतना सेंटीमीटर है आपका, ठीक है, इतना सेंटीमीटर है आपका, है ना, इतना सेंटीमीटर है। तो अब आप क्या करोगे कि अब आप करोगे इसको जो जीरोस है, 2 जीरो इसका कैंसिल कर दो यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे 2 जीरो है, है ना, 0 0 कट जाएंगे, तो इक्वल्स टू अब कितना बचा इसको, 1 / आपका कितना जीरो बच गया इसमें, 4 जीरो, ठीक है, 4 जीरो बच गया, अब इतना सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 10^-4, क्योंकि 4 जीरो नीचे है ना, इतना सेंटीमीटर। तो यानी कि आपकी 1 माइक्रो में कितना हो गया, 10^-4 सेंटीमीटर, ठीक है, ये क्लियर है। अगर आपको याद भी ना रहे तो आप इसको तुरंत डिराइव कर सकते हो, ठीक है, विच इज वेरी सिंपल, ठीक है। तो अगर आपका लेट्स से आंसर आपको सेंटीमीटर में लिखना हो, ठीक है, आपको पता है कि वो माइक्रोमीटर है और इसको 10^-6 meters होता है, है ना, तो अगर उन्होंने बोला कि नहीं, आपको फिल इन द ब्लैंक्स, जैसे आप क्वेश्चन दिया, एक फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया और लास्ट में सेंटीमीटर लिख देंगे वो लोग, है ना, इक्वल्स टू जो भी आंसर रहेगा, तो अब इसका मतलब आपको वो आंसर जो है सेंटीमीटर में देना होगा। अगर आप यहाँ पे मीटर्स में लिखोगे तो आपका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है।
तो इसीलिए आपको अगर कन्वर्ट करना होगा तो उसको बस 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो आपका सेंटीमीटर में हो जाएगा, है ना। आप जब 100 से मल्टीप्लाई करते हो, अब अगर आपको उतना आपको समझ में आ गया है ये, तो आप 10^-6 को बस 2 0 हटा दो वहां से, यानी 10^-4 हो जाएगा वो, ठीक है। तो दिस दिस आंसर यू हैव टू गिव इट इन सेंटीमीटर्स इफ इन केस यू गेट दैट क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह से आप उसको निकाल सकते हो। सो दैट इज व्हाट दे हैव, यहाँ पे भी उन्होंने वही बताया है, 1 माइक्रोन को अगर आप सेंटीमीटर में लिखोगे तो इतना होगा, और मिलीमीटर में 1 0 और आपका कम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 1 मिलीमीटर में, 1 मीटर में कितना मिलीमीटर होता है, 1000 मिलीमीटर होता है, ठीक है। तो सिमिलर तरीके से आप उसको ये भी मिलीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा मिलीमीटर में आंसर देना है, तो आप उसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो। अब नैनो इज 10^-9, ठीक है। अब नैनो ग्राम भी हो सकता है। अब यहाँ पे तो हम लोग लेंथ को मेजर कर रहे हैं ना, तो अगर नैनो ग्राम भी रहेगा तो सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, अगर माइक्रोग्राम भी रहेगा तो उसमें सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, ठीक है। मिलीग्राम रहेगा या सेंटीग्राम रहेगा या डेसीग्राम रहेगा, जो भी रहेगा आपका सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये प्रीफिक्स है ना, और प्रीफिक्स सारे सारे मेजरमेंट्स में चला जाएगा ऑलमोस्ट, ओके। तो अब नैनो इज 10^-9, सो इट इज 1 बिलियंथ, इज वन 1 बिलियंथ विच इज 10^-9 पार्ट ऑफ अ मीटर, यानी 1 मीटर में आपके 1 बिलियन नैनोमीटर्स होते हैं, ओके। सो होप नाउ यू नो वेयर दिस -9 इज कमिंग फ्रॉम, ठीक है। सिमिलरली आप इसको भी कर सकते हो कि 1 मीटर में कितना होता है आपका, 1 बिलियन होता है, ठीक है। मिलियन पे 3 0 इज बिलियन, ओके। तो अब इतना आपका नैनोमीटर है ये, तो अब 1 नैनोमीटर में कितना मीटर होगा इस, अब उसको आप इधर डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे 10^-9 हो जाएगा, है ना। तो 1 मीटर में आपका 10^-9 नैनोमीटर हो जाएगा, ठीक है। होपफुली सिंपल लग रहा होगा यहाँ तक, ओके। नाउ मल्टीपल यूनिट्स ऑफ मीटर, नाउ फॉर मेजरमेंट ऑफ लार्ज लेंथ्स। अब अगर आपको बड़ी दूरी नापनी है ना, लेंथ अगर बड़ा हो रहा है कंपेयर टू मीटर, देन यू हैव द मल्टीपल यूनिट्स ऑफ मीटर, ठीक है। तो अभी तक आप और मीटर से छोटी चीज़ों को नाप रहे थे, है ना, तो उसके लिए आप सब यूनिट्स ऑफ मीटर यूज कर रहे थे। अब इफ यू हैव टू मेजर मोर, लाइक अ बिगर डिस्टेंस और बिगर लेंथ, लार्जर लेंथ, ठीक है, तो आप मल्टीपल यूनिट्स ऑफ मीटर को मेजर करोगे, यूज करोगे। अब मल्टीपल तो इसमें आपका माइनस जो पावर जो है वो नेगेटिव में नहीं रहेगा, पॉजिटिव में रहेगा, क्योंकि आप उसको और डिवाइड नहीं कर रहे हो, आप 1000 से या मिलियन से या बिलियन से आप डिवाइड नहीं कर रहे हो, आप उसको और मल्टीप्लाई कर रहे हो, है ना। अब 1 मीटर है लेट से, अगर उसको आप 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो तो वो डिस्टेंस तो बड़ा होगा ना, ओके। सो दैट 10 मीटर्स इज बिगर, सो वो 1 डेसीमीटर हो गया। अब आप उसको 100 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, इमेजिन करो, ठीक है। 100 टाइम्स, 100 मीटर का जो आप रेस होता है आपके स्कूल में जो भी होता है, ठीक है, तो 100 मीटर का जो रेस होता है आप इमेजिन करो, वो लाइन एक ऑलमोस्ट एक एक फील्ड के बराबर होती है, ठीक है। सो दैट 100 मीटर इज हो गया। अब वो 1000 अलग से अगर 1000 टाइम्स है तो वो 1 किलोमीटर हो जाएगा, ओके। तो वो मल्टीप्लाई कर रहे हो आप मीटर को और मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। सो फॉर द मेजरमेंट ऑफ लार्ज लेंथ्स और डिस्टेंसेस, अब लेंथ है या डिस्टेंस है, लेट्स से इफ इफ इट्स अ लेंथ ऑफ अ बिल्डिंग, है ना, और हाइट ऑफ अ बिल्डिंग, या फिर अगर आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हो दो 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 लेट्स से दो जगहों के बीच में, या दो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बीच में अगर आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, ठीक है। नाउ द मीटर इज कंसिडर्ड एज टू स्मॉलर यूनिट। अब आप यहाँ से लेट्स से बैंगलोर से आप लखनऊ की दूरी आप मीटर्स में बताओगे तो बहुत सारे मल्टीपल्स ऑफ जीरो लग जाएंगे उसमें, है ना। लेट्स से यहाँ से अगर लेट्स से 2000 किलोमीटर्स दूरी है,
ठीक है, तो आप मीटर्स में बताओगे तो ऑलमोस्ट 2 मिलियन मीटर्स हो जाएंगे, है ना। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए वी से इट एज अ किलोमीटर, ठीक है। सो द मोस्ट कॉमनली यूज मल्टीपल यूनिट ऑफ मीटर इज किलोमीटर। सो वाई वी आर सेइंग मल्टीपल यूनिट इज बिकॉज इट्स इट्स अ मल्टीपल ऑफ मीटर, तो मीटर का मल्टीपल है, कितना मल्टीपल है, 1000 मल्टीपल है, तो आप 1000 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। सो दैट इज वाई वी कॉल इट एज अ मल्टीपल यूनिट ऑफ मीटर, है ना। सो द मोस्ट कॉमनली यूज मल्टीपल यूनिट ऑफ मीटर इज अ किलोमीटर, ओके ओके। सो नाउ 1 किलोमीटर इज द 1000 मल्टीपल ऑफ मीटर, होपफुली ये तो अब यू शुड नो दिस, ठीक है, शुड नो दिस कि इसमें 1000 मीटर्स होती है। अब 1000 मीटर है तो उसको आप सिंपली लिखते हो 10 to the power 3 meters, है ना, क्योंकि ये 10 to the power 3 जो है न्यूमरेटर में है। अगर ये डिनोमिनेटर में होता, है ना, डिनोमिनेटर में होता तो आप इसको 10 to the power -3 कर देते, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, दिस इज जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ओके, सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए है, इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे कि क्या है, अभी लेट्स से आपने बोला कि वन, तो आप बोलोगे कि ओके सर, आपने बोला कि 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 1000 मीटर्स होते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अगर लेट्स से 1 किलोमीटर को हम डिवाइड करते 1000 से, है ना, और इधर आप 1 मीटर ही रखो, ठीक है, तो आप 1 मीटर और ये किलोमीटर्स में है, तो यूनिट डजेंट चेंज, ओके, ये यूनिट चेंज नहीं करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ओके। सो जिसका जो यूनिट है वो वही रहेगा, लेफ्ट साइड में अगर किलोमीटर है तो किलोमीटर रहेगा, राइट साइड में मीटर है तो मीटर ही रहेगा, ठीक है। यू कैन जो इसका इसका जो मैग्नीट्यूड है आप उसको इधर उधर कर सकते हो, बट ये जो यूनिट है इसका उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि ओके 1 by 1000 किलोमीटर्स इक्वल्स टू 1 मीटर, बोले हाँ कर तो सकते हैं बिल्कुल। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 10 to the power -3 किलोमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर, विच इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे आप उसको अब अगर तो इसको किलोमीटर्स के आप सब 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 यूनिट्स निकाल रहे हो, तो दिस इज जस्ट टू एक्सप्लेन, ठीक है, ऐसा कुछ, दिस इज जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन और आपको आपको समझाने के लिए बस किया गया, ओके ओके। सो कमिंग बैक, तो होपफुली दिस इज क्लियर, 10 to the power 3 कैसे आया, है ना। और नॉन मेट्रिक यूनिट्स ऑफ लेंथ, नॉन मेट्रिक इसलिए है क्योंकि ये मीटर पे डिपेंड नहीं करता है, बट यू कैन कन्वर्ट, इट्स नॉट डिराइव फ्रॉम द मीटर। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट फॉर एग्जाम्पल, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट फाइंड करने का अलग तरीका होता है, ठीक है, बट यू कैन ऑल्सो कन्वर्ट इट इंटू अ मीटर, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट इट इज़ अ नॉन मेट्रिक यूनिट, यानी कि ये मीटर से डिराइव नहीं किया गया। जैसे किलोमीटर हो गया, तो किलोमीटर इज डिराइव फ्रॉम मीटर, या आपका मिलीमीटर है, सेंटीमीटर है, तो ये सारे मेट्रिक यूनिट्स हैं, ठीक है। बट अब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गया, तो दिस इज नॉट डिराइव फ्रॉम अ मीटर, बट इट हैज अ वैल्यू विच यू कैन मेजर इन मीटर्स, ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ओके। तो ये नॉन मेट्रिक यूनिट हो गया, सो विच आर वे बिगर देन मीटर्स, किलोमीटर्स, जैसे कि आप ऑर्बिट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, या फिर दो प्लैनेट्स के बीच में, सन और अर्थ के बीच में कितना डिस्टेंस है, ओके, तो वो सब आ जाता है यहाँ पर, ओके। तो इसको हम लोग देखते हैं, ओके। सो नॉन मेट्रिक यूनिट्स ऑफ लेंथ, सो विच आर बिगर यूनिट्स, ओके, दे आर बिगर यूनिट्स, एंड फॉर द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस बिटवीन टू हेवनली बॉडीज, हेवनली बॉडीज जैसे कि आपकी सोलर सिस्टम की जितनी भी चीजें, या फिर गैलेक्सी की जितनी चीजें हैं, ओके। तो अब गैलेक्सी के बाहर भी जो जितनी चीज़ें हैं वो सबको आपको मेजर करना है, उनके उनके बीच में डिस्टेंसेस मेजर करनी है, उनकी उनके डायामीटर कितना बड़ा है वो, उनका उनका ऑर्बिट्स कितने बड़े हैं, ठीक है, तो वो सब मेजर करना है, तो किलोमीटर्स में नहीं हो पाएगा क्योंकि वो किलोमीटर से बहुत ही ज़्यादा दूर होते हैं, ठीक है। तो हेवनली बॉडीज़ के लिए आपको किलोमीटर इज कंसिडर्ड एज टू स्मॉल ऑफ अ यूनिट, ठीक है। तो अभी और बहुत बड़ा बड़ा यूनिट रहेगा तो उतना ज़्यादा किलोमीटर्स आपको याद रखने में भी बहुत मुश्किल होगी, है
ना, तो इसीलिए कुछ सिंपल यूनिट्स इन्होंने निकाला। सो द कॉमनली यूज यूनिट्स फॉर दिस पर्पज आर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ओके, क्योंकि एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है, दिस इज रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमी, सो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और AU, ठीक है, और लाइट ईयर और पार्सेक, ठीक है। तो तीन चीजें यहाँ पे, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गया, एक लाइट ईयर हो गया और एक पार्सेक हो गया। तो ये तीनों को भी हम लोग देखेंगे कैसे क्या होता है इसमें, ठीक है। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज प्रेटी सिंपल कि क्या होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, कितना होता है, ठीक है, वो हम बताएंगे। और लाइट ईयर भी इज प्रेटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, पार्सेक इज अ लिटिल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो पर इसको भी हम देखेंगे कि कितना कैसे होता है, ओके ओके। सो लेट्स से एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है ना, तो इन्होंने लेट्स से क्या लिखा है यहाँ पे कि वन एस्ट्रोनॉमिकल, सो तीन यूनिट्स हो गए यहाँ पे, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गया, ठीक है, एक लाइट ईयर हो गया और एक पार्सेक हो गया, ठीक है। सो पार्सेक सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा यूनिट जो है पार्सेक है, दिस इज द बिगेस्ट यूनिट दैट वी हैव सो फार टू मेजर डिस्टेंस, ठीक है। लेंथ मेजर करने के लिए सबसे बड़ा यूनिट आपके पास पार्सेक है अभी तक, ओके। उससे थोड़ा छोटा लाइट ईयर होता है और लाइट ईयर से भी छोटा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है, ठीक है, बट फिर भी ये मीटर से और किलोमीटर से बहुत बड़ा होता है, ओके। सो नाउ वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, सो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में क्या होता है कि वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू द मीन डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन, ठीक है। सो अर्थ एंड सन के बीच में जो मीन डिस्टेंस होती है, मीन यानी कि एवरेज डिस्टेंस होती है, ठीक है, वो इतनी होती है। अब एवरेज डिस्टेंस क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि अर्थ की सन से डिस्टेंस चेंज होती रहती है, ठीक है। वो कैसे होता है, अभी जैसे देखो, लेट्स से ये आपका सन है, ठीक है, लेट्स से ये सन है, इसमें से रेज निकल रही है, ठीक है, डजंट लुक लाइक अ सन बट इट इज अ सन, ओके। इसको सन की तरह हम लोग दिखाते हैं, लेट्स से, अच्छा इसमें होता नहीं, ओके फॉरगेट इट, लेट्स से, ओके व्हाट वी कैन डू, सन बनाते हैं, ठीक है। सो लेट्स से वी हैव अ सन, इसको फिल कर देते हैं, ओके। सो हियर वी हैव अ सन और लेट्स से हमारे पास अर्थ है, ठीक है। तो अर्थ जो होता है वो ब्लू होता है, तो ब्लू प्लैनेट, ठीक है। और अर्थ जो होता है वो ऑर्बिट में सन से घूमता रहता है ना, सन और अर्थ एक ऑर्बिट से जुड़े होते हैं, है ना, और वो ऑर्बिट कैसा होता है, दैट ऑर्बिट इज एक्चुअली एलिप्टिकल, ठीक है, दैट ऑर्बिट इज एक्चुअली एलिप्टिकल, ओके, इट इज सिमिलर टू समथिंग लाइक दिस, ठीक है। वो ऐसे एक ऑर्बिट में वो घूमता रहता है, तो कभी इसका पोजीशन यहाँ पे होता है, कभी इसका पोजीशन कहीं और हो जाता है, जैसे कि लेट्स से मूव करके ऐसे, अगर लेट्स से ऐसे मूव कर रहा है तो ये यहाँ भी जा सकता है, फिर यहाँ से फिर यहाँ पहुँच जाएगा, फिर यहाँ से वो यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। तो अगर आप उसका डिस्टेंस देखो, है ना, सन से कितनी दूरी है, तो आप देखो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो चेंज होती रहती है, सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, है ना, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, ओके। हर पॉइंट पे ये डिस्टेंस, अगर लेट्स से यहाँ पे आया तो यहाँ पे इसकी दूरी जो है वो अलग होगी, ठीक है, यहाँ पे इसकी दूरी अलग होगी। आप किसी भी इंस्टेंस ऑफ टाइम में अर्थ और सन का डिस्टेंस जो होता है वो एक नहीं होता है, ठीक है, अलग अलग होता है, इसीलिए एवरेज डिस्टेंस बोला गया, ठीक है। ऑल इन ऑल मतलब एवरेज, लेट्स से यहाँ का डिस्टेंस अगर कुछ भी रहा, फिर यहाँ का डिस्टेंस, तो इसका मीन निकाला गया। मीन मीन कैसे निकलता है, जैसे कि लेट्स से अगर जैसे मीन हो जाएगा, जैसे लेट्स से 1 2 3 4 4 इतना इतना का अगर मीन निकालेंगे तो ये सारे को जोड़ करके इसको डिवाइड कर दो 4 से, क्योंकि चार क्वांटिटी है ना। तो अगर लेट्स से इन्होंने ली होगी, अगर 10 पॉइंट लिया होगा, लेट्स से यहाँ 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 और लेट्स से यहाँ 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 यहाँ, ठीक है, तो सारे का डिस्टेंस ले लिया इन्होंने,
ठीक है, वो कितना कितना डिस्टेंस है उसको यहाँ पे ऐसे इस फॉर्मूला में डाल दिया, ठीक है, वो 10 और डिस्टेंस को यहाँ पे लिख लिया और डिवाइड कर दिया 10 से, ठीक है, तो दैट इज़ द मीन। तो इसीलिए यहाँ पे एवरेज डिस्टेंस लिया गया है, क्योंकि डिस्टेंस चेंज होते रहते, फिक्स नहीं रहता। ओके, सो कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, सो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, एक्चुअली सो सिंपली पुट इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है, तो वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, बट एज द अर्थ एंड सन इज नॉट एट अ कॉन्स्टेंट डिस्टेंस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, तो इसीलिए क्या किया गया है कि इसको एवरेज डिस्टेंस लिया गया या मीन डिस्टेंस, ठीक है, सो मीन इज एवरेज, उसका एवरेज डिस्टेंस ले लिया गया बिटवीन द अर्थ एंड द सन, सो विच इज फिक्स टू 1.496 इंटू 10^11 मीटर्स, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा होगा, सो 1.49000, इससे जीरो नहीं होता है, कुछ वैल्यू होती है और ये इतना रहेगा। अब इसमें 11 10^11 है, 1.49 है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ऑलमोस्ट इतना मीटर्स होता है। तो अब इसको इतना ऐसे ना लिख करके 1.496, इजियर टू रिमेंबर, दिस इज 1.496 है ना, इंटू 10^11 मीटर्स, यानी कि 1.4 पे 11 जीरो है। ओके, सो दैट इज वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है, विच इज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन, एंड इट्स अ मीन डिस्टेंस और एन एवरेज डिस्टेंस। ओके ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट वन विच इज लाइट ईयर, लेट्स सी, तो अब लाइट ईयर में क्या होता है कि लाइट ईयर किसको बोलते हैं, जैसे लेट्स से लाइट, लाइट जो होती है, जो लाइट होती है वो ट्रैवल करती है, ठीक है, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती है। अगर आप कहीं से अगर लेट्स से आप किसी भी चीज़ को आप देख रहे हो, तो एक्चुअली होता क्या है कि उस चीज़ से रेज निकल के आपके आंखों पे पड़ती है, ठीक है, इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो लाइट ट्रैवल करती है उस ऑब्जेक्ट से आपके आईज तक, ठीक है, तो वो ट्रैवल करने में भी आपको तो बहुत इंस्टेंटली लगता है कि हम जैसे ही देख रहे हैं उसको मुझे दिख जा रहा है वो, बट एक्चुअली इट टेक्स सम टाइम टू ट्रैवल फ्रॉम दैट पॉइंट टू दिस पॉइंट, ठीक है, तो वो फोटॉन्स होते हैं छोटे छोटे, जो फोटॉन्स ट्रैवल करते हैं एक्चुअली, सो वो भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, तो फोटॉन्स ट्रैवल फ्रॉम दैट पॉइंट टू योर आईज, तो अगर आपके आईज पे फोटॉन्स पड़ते हैं तब आपको वो चीज़ ऑब्जेक्ट दिखती है, ठीक है, और डिपेंडिंग ऑन द वेव लेंथ ऑफ दैट फोटोन आपको वो कलर का दिखेगा। अब दीज थिंग्स आर ऑल वेरी कॉम्प्लिक, आई मीन थोड़ा दूसरा चीज़ हो गया, इट्स नॉट स्कोप ऑफ दिस बुक, नॉट इन द स्कोप ऑफ दिस बुक, तो वो सब चीज़ बाद में देखेंगे, बट आपको लाइट को भी ट्रैवल करने में थोड़ा टाइम लगता है, इट्स वेरी, हम लोग ह्यूमन के लिए वो बहुत ही कम है, ठीक है, और हम लोग को नॉर्मली वो ऑब्जर्व नहीं होता है, ठीक है, बट देयर इज अ टाइम टेकन। आप इसको कैसे विजुअलाइज कर सकते हो, जैसे कि लेट्स से सन है, जो सनराइज होता है या फिर सन सनसेट होता है, तो सन से जो रेज जो आती है अर्थ पे, ओके, सो दैट इज तो वेरी फार, सन इज वेरी फार ना, तो उतनी दूर से अगर रेज अर्थ पे आ रही है तो इट टेक्स मोर टाइम एंड दैट इज मोर ऑब्जर्वेबल, उसको और हम नॉर्मली ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली सनराइज और पहले हो जाता है, बट अब चूंकि सन को रेज पहुंचाने में अर्थ तक टाइम लगता है तो देर इज अ डीले, ठीक है, तो दिस कैन बी ऑब्जर्व, इसको आप नॉर्मली ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है, तो क्योंकि अब अर्थ और सन की डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है तो लाइट को ट्रैवल करने में वहां से यहां तक टाइम लगता है, और सन से अर्थ तक की डिस्टेंस कितनी होती है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, राइट, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है ना, तो इट्स ऑलमोस्ट इट्स वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द सन, तो अब लाइट को वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ट्रैवल करने में काफी टाइम लगता है, यानी कि लाइट सोचो सन से कितना दूर से आ रहा है ना, तो कितना दूर से आ रहा है, क्या था हमारे पास था ना, सो 1.496 इंटू 10^12 था, राइट, हाँ
10 टू द पावर 11 मीटर्स, है ना, इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर्स, तो इतना दूर से वो ट्रेवल करके आ रहा है, ठीक है, फ्रॉम द सन टू द अर्थ रेज आ रहा है। अब स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट होती है ऑलमोस्ट 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, इसी 8 होती है कि 9 होती है, 1 सेकेंड, ओके, सो ये 8 होती है, ठीक है, सो 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड, है ना, और वो ट्रैवल कर रहा है कितना, 1.496 इंटू 10 टू पावर 11 मीटर्स, है ना। तो अगर आप इसको लेट्स से, तो दिस विल बी ऑलमोस्ट इक्वल्स टू व्हाट वी कैन से 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर्स पर सेकेंड पे लेट्स से अगर ट्रैवल कर रहा है, तो आपका स्पीड है इतना, है ना, और आपको ये स्पीड है आपकी 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, और ये आपका डिस्टेंस है, है ना। तो स्पीड क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, है ना, तो अभी इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना है, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 यस मीटर्स, दिस मीटर्स नॉट मीटर पर सेकेंड, इतना मीटर है। अब टाइम कितना ले रहा है वो हमको निकालना है, और स्पीड कितनी है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब टाइम को अगर हम ऊपर ले जाएं और डिस्टेंस स्पीड को नीचे ले आए, तो इट विल बी 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर्स डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 टू द पावर 8। अगर पावर आप इसको कैंसिल कर दे, तो 8 से कितना जीरोस जाता है, 9, 10 एंड 11, सो इट विल बी 0.5 समथिंग समथिंग, ओके, सो 0.5 इंटू 10 टू द पावर 3 समथिंग हो जाएगा, है ना, ये कट जाएगा, यहाँ पे आपका 10 टू द पावर 3 हो जाएगा, बच जाएगा, और ये 0.5 रहेगा, सो ठीक है। तो ऐसे आप वैल्यूज को कैलकुलेट आप कर सकते हो, ठीक है। तो एक्चुअली सनलाइट को अर्थ तक पहुंचने में 8 मिनट लगता है, ठीक है, ओके, सो इट टेक्स 8 मिनट्स टू ट्रैवल फ्रॉम द सन टू द अर्थ by for the speed for the light, okay, so sorry we deviated from the topic, so coming back, तो light year होती क्या है, तो अब जैसे light हमको तो ये पता चल गया कि light travel करती है, ठीक है, so light is not something which is very कि इसको कुछ time नहीं लगता travel करने में, but इसको भी time लगता है, ठीक है, इसको भी time लगता है, वो मे बी टाइम बहुत कम होता है, बट इसको भी टाइम लगता है। सो लाइट ईयर क्या होता है, लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द लाइट इन वैक्यूम इन वन ईयर, ठीक है, एक साल अगर लाइट सोचो ट्रैवल कर, 8 मिनट ट्रैवल करता है तो वो अर्थ सन से अर्थ पहुंचता है, ठीक है, इफ इट ट्रेवल्स 8 मिनट्स देन इट रीचेस फ्रॉम द सन टू अर्थ, है ना, उसको सन से अर्थ पहुंचने में 8 मिनट लगता है। अब लेट्स से वो और ट्रैवल करता रहे, इफ इट ट्रैवल्स की ट्रैवलिंग वन ईयर, ठीक है, एक साल तक वो ट्रैवल करता रहे, एक साल इन द सेंस इट विल यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय फ्रॉम द मिनट्स यू हैव टू मल्टीप्लाई इट इनटू सॉरी यू हैव टू मेक इट इनटू वन डे 24 और फिर 60 और फिर 60, ठीक है, क्योंकि वही इन्होंने यहाँ पे किया है, जैसे 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड तो स्पीड हो गई लाइट की, है ना, 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड स्पीड हो गई लाइट की, अब वो कितना ट्रैवल करेगा, कितना कितना देर तक ट्रैवल करेगा, वो 365 डेज ट्रैवल करेगा, ठीक है, ईयर में अगर लेट्स से वी आर नॉट टेकिंग द लीप ईयर, ठीक है, वी आर नॉट कंसीडरिंग द लीप ईयर, सो वी आर कीपिंग जस्ट 365, सो अगर 365 डेज ट्रैवल करता है एक साल में, तो एक डे में 24 आवर्स हो जाएगा, और कितना सेकेंड हो जाएगा, विच इज 60 इंटू 60, ठीक है, अगर कन्वर्ट कर देते हैं हम इसको 60 सेकेंड्स में, ठीक है, तो एक साल में इतना सेकेंड्स होता है, 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60, तो अगर वो एक साल ट्रैवल करे सेम स्पीड पे,
ठीक है, तो वो इतना किलोमीटर पहुंचेगा। तो हम इसको मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, तो सेम फॉर्मूला होता है। सो स्पीड क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है ना। तो हम क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं, हम यहाँ पर डिस्टेंस निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना किलोमीटर्स हो रहा है वो, स्पीड ऑफ लाइट सॉरी वन लाइट ईयर कितना किलोमीटर हो रहा है वो यहाँ पे निकालने की इन्होंने कोशिश की है। तो हमको बाय डेफिनेशन पता है लाइट ईयर क्या होता है, कि लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम। अब वैक्यूम वगैरह छोड़ दीजिए आप, क्योंकि वैक्यूम, अब लाइट जो अर्थ सन से अर्थ आती है तो वैक्यूम में ही होती है, क्योंकि स्पेस जो है वो वैक्यूम है, स्पेस इज अ वैक्यूम, स्पेस में कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो स्पेस वैक्यूम है, तो इसीलिए बाय डिफॉल्ट वो वैक्यूम में ही ट्रेवल कर रहा है सन से अर्थ तक, ठीक है। आपको वैक्यूम क्रिएट नहीं करनी पड़ रही है बाय यूजिंग अ वैक्यूम क्लीनर और समथिंग, ठीक है। तो लाइट ईयर क्या होता है, लाइट ईयर इज अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन वन ईयर, ठीक है। अब ये और स्टैंडर्ड करने के लिए इन वैक्यूम भी डेफिनेशन में ऐड कर दिया गया, बट सिंपली पुट इट्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बाय द लाइट इन वन ईयर, ठीक है। बेसिकली अब यू कैन ऐड इट इन वैक्यूम ऑल्सो, ठीक है। तो अब लाइट जो है वो एक साल में कितनी दूरी जाएगी, ठीक है। तो हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कैसे फाइंड इन्होंने किया है, ठीक है। लेट्स से ओके, सो अब तक हमको पता चला कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी होते हैं, 3 × 10⁻⁸ m/s। ये हमको स्पीड पता है, ठीक है, ये स्पीड है, ठीक है। हमको डिस्टेंस जो है वो फाइंड करनी है कि डिस्टेंस कितना होगा, कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा एक साल में, है ना। एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो 1 सेकेंड का इसका स्पीड है, 1 सेकेंड में ये 10⁸ m पहुंच जाता है, यानी कि ऑलमोस्ट 10⁵ km, 10⁵ या 3 × 10⁵ km पहुंच जाता है, ठीक है। और 3 × 10⁵ km हो गया आपका 300 × 10⁻⁷, ओके देखते हैं, चलो 3 × 10⁸ m/s, ये मीटर्स 1 सेकेंड पहुंच जाता है, ठीक है। तो एक लाइट एक ईयर में कितना पहुंचेगा, तो एक ईयर में टाइम कितना होता है वो हम निकालते हैं, ठीक है। तो टाइम इक्वल्स टू व्हाट, टाइम इज गिवन एज 1 ईयर, है ना। टाइम मेरे को 1 ईयर दे दिया गया है कि एक साल में कितना दूर वो पहुंचेगा, तो टाइम इज एक्चुअली 1 ईयर। अब 1 ईयर में कितना सेकेंड्स होता है वो हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो 1 ईयर में हाउ मेनी सेकेंड्स वी हैव, क्योंकि हमारा जो स्पीड है वो मीटर पर सेकेंड में है ना, मीटर पर ईयर नहीं है, ठीक है, मीटर पर ईयर नहीं है, दिस इज मीटर पर सेकेंड। तो हमको सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, टाइम को अपना सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्योंकि इन्होंने टाइम जो है वो ईयर में दिया है हमको, ठीक है, तो अब इस ईयर को हम लोग सेकेंड्स पे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब वो कैसे करते हैं, अब जैसे 1 ईयर है तो 1 लिख दो, और ईयर में कितने डेज होते हैं आपके, 365 डेज होते हैं, ठीक है। अब एक डे में कितना आवर्स होता है, 24 आवर्स होता है, ठीक है। इट्स नॉट एग्जैक्टली 24, बट अभी के लिए 24 रखते हैं इसको, ठीक है, 24 आवर्स होता है। अब 1 आवर में कितना सेकेंड होता है, 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। और 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 सेकेंड्स होते हैं, ठीक है। तो अब ये जो टाइम निकलेगा ये सेकेंड में होगा, ठीक है, दिस इज नॉट इन ईयर एनी मोर, दिस इज इन सेकेंड्स। ये ब्रैकेट में डाल दो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, दिस इज सेकेंड्स से ऐसा कर दो इसको, ओके, सो दिस इज इन सेकेंड्स, ठीक है। सो दैट इज द टाइम इन 1 ईयर इन इन सेकेंड्स, इन टर्म्स ऑफ सेकेंड्स, ठीक है। तो अब हमको पास, हमारे पास स्पीड भी है और हमारे पास टाइम भी है, तो अब हमारे पास फॉर्मूला भी है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। तो अब हमारे पास, हमको डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो डिस्टेंस को हम एक साइड कर लेते हैं, ठीक है, उसको इक्वेशन से हम एक साइड कर लेते हैं ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है, इट विल बी सिंपलर टू कैलकुलेट। तो अब डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आप इसको ये जो टर्म है डिनोमिनेटर से आप न्यूमिनेटर में ले जाओ, यहाँ पे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है।
तो डी इक्वल्स टू वॉट, एस इंटू टी, ठीक है, वेरी सिंपल, ठीक है, एस इंटू टी। अब एस हमको पता है, सो दिस इज वॉट, सो एस हमको पता है 3 × 10⁸, ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, टाइम से, टाइम इज वॉट 1 × 3, इसको ब्रैकेट ब्रैकेट हटा सकते हैं क्योंकि सारे मल्टीप्लाई में है तो हम ब्रैकेट हटा सकते हैं। तो 1 × 3 = 65, × 24, × 60, × 60, ठीक है। तो इतना मेरा डिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब ये यूनिट कैसे मेरा डिस्टेंस डिस्टेंस किलोमीटर मीटर्स में कैसे आ जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस का जो लेट्स से डिस्टेंस का यूनिट हमको नहीं पता यूनिट क्या होगा, ठीक है। सॉरी, तो स्पीड का यूनिट हमको पता है मीटर पर सेकंड में है, मीटर बाई सेकंड है, पर सेकंड मतलब डिवाइड बाई सेकंड, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड पता है और टाइम भी मेरा सेकंड में है ना, सेकंड में है तो टाइम भी मेरा सेकंड में है, ठीक है। तो ये दोनों अगर हट भी जाता है तो आपका डिस्टेंस क्या बचा, मीटर में बचा ना, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज जो है आपकी मीटर्स में आएगी, ठीक है। होपफुली ये समझ आ रहा है अभी तक, तो इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स, ये बस थोड़ा आपको पेशेंस रखना है एक्चुअली, ठीक है। सो दिस मच आपको ये इतना मीटर्स हो जाएगा, ठीक है। अब ये वैल्यू इन्होंने कैलकुलेट कर दी है, ओके, सो विच कम्स टू 9.46, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इतना आएगा, तो 9.46 × 10⁻¹ मीटर्स, ठीक है। तो इतना मीटर्स हो जाएगा। अब आप किलोमीटर में इसको कर दो तो 3 जीरोस हटा दो, 3 जीरो हटा दो यहाँ से, तो इट विल बी 10⁻¹², ठीक है। सो इट कम्स टू दिस, ओके। तो दैट इज हाउ द लाइट ईयर डिस्टेंस इज कैलकुलेटेड, कि लाइट एक्चुअली एक साल में कितनी दूरी जाती है। अब लेट्स से अगर दो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स के बीच में इतनी दूरी है तो वी से दैट इट्स 1 लाइट ईयर अपार्ट, है ना। सो डिस्टेंस ऑफ स्टार्स फ्रॉम अर्थ इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन लाइट ईयर्स, ओके। सो अब अर्थ और स्टार के बीच में, तो सन इज ऑल्सो अ स्टार, ओके, सन इज ऑल्सो अ स्टार, सो सन और अर्थ और स्टार के बीच में डिस्टेंस जो होती है वो ऑलमोस्ट लाइट ईयर्स में होती है, तो इसको लाइट ईयर में हम लोग एक्सप्रेस कर देते हैं, ओके। सो हाउएवर द लाइट मिनट एंड लाइट सेकेंड आर इट्स स्मॉलर यूनिट्स। सो लाइट ईयर है ना, लाइट ईयर है यानी लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर। अब लाइट मिनट जो है यानी लाइट ट्रेवल्स इन 1 मिनट, और लाइट सेकेंड इज लाइट ट्रेवलिंग इन 1 सेकेंड, है ना। सो हाउएवर द लाइट मिनट एंड लाइट सेकेंड आर इन स्मॉलर यूनिट्स, आर स्मॉल, वो और भी छोटा उसका यूनिट हो जाएगा। सो आप लाइट ईयर है, और तो लाइट ईयर के साथ आपका लाइट मिनट्स भी है और लाइट सेकेंड भी है, ठीक है। अब लाइट मिनट और लाइट सेकेंड कैसे होता है, ये भी बहुत सिंपल है, अब देख लेते हैं। तो लाइट ईयर या लाइट लाइट मिनट या लाइट सेकंड क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो लेट से हम लाइट सेकंड लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। सो लाइट सेकंड जो है वो कैसे होता है, तो अब हमको पता है कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, है ना, पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है वो 3 × 10⁸ मीटर्स। तो दिस इज द लाइट सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में वो कितना ट्रेवल कर रहा है, इतना ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। 2 सेकेंड में कितना ट्रेवल करेगा, तो आप जैसे 1 सेकेंड में ट्रेवल करने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 सेकेंड में कितना ट्रेवल करेगा आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 सेकेंड में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। दैट मीन्स दिस इज हाउ मच इट इट ट्रेवल्स, डिस्टेंस इट ट्रेवल्स इन 1 सेकेंड, ओके। सो इसीलिए इसको लाइट सेकेंड बोल दिया गया, दिस इज जस्ट कन्वीनियंस, ठीक है। अगर आपको इस टर्म में इतने छोटे चीजों को मेजर करना है, 10⁻³ × 10⁸, अगर लेट्स से लेट्स से लेट्स से अभी आप 1 किलोमीटर, आपको पता है कि 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर्स, है ना।
तो अगर 3 × 10⁸ मीटर्स कोई चीज़ है, उतनी उतनी दूर पे कोई चीज़ है, 3 × 10⁸ मीटर पे कोई चीज़ है, तो आप इसको बोलोगे 1 light second, ठीक है। और अगर कोई चीज 3 × 10⁵ किलोमीटर पे है, ठीक है, नो सॉरी, ठीक है, तो ये मेरा लाइट, ओके, लाइट सेकंड तो हो गया, ठीक है। तो लाइट सेकंड कैसे निकलता है, तो लाइट सेकंड, दिस इज व्हाट 1 light second इज, ठीक है, इतना मीटर हो गया। अब लेट्स से लाइट, इन्होंने क्या लिखा है कि लाइट मिनट क्या होगी, ठीक है, व्हाट इज लाइट मिनट, यानी कि लाइट 1 मिनट में कितना ट्रैवल करेगा। सो दिस इज लाइट सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में लाइट इतना ट्रैवल कर रहा है, तो 1 मिनट अगर इसको मिल जाए तो वो कितना ट्रैवल करेगा, ठीक है। तो लेट्स से 1 मिनट में मुझे पता है कि 3 × 10⁸ मीटर्स वो ट्रैवल करता है, दिस इज व्हाट इट ट्रैवल्स इन 1 मिनट, 1 सेकेंड, ठीक है। अब एक एक मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, तो वो होते हैं आपके 60 सेकेंड्स, ठीक है। तो आप इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, सो दैट बिकम्स 1 light minute, ठीक है। तो 1 मिनट में वो इतना ट्रेवल करेगा, अर्थ, सॉरी, लाइट, ठीक है। तो सोचो कि आप सन से और अर्थ की कितनी दूरी है कि उसको सन से अर्थ पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं, ठीक है, यानी कि इट्स अ मल्टीपल ऑफ 8, सो 8 times जो जितना भी ये डिस्टेंस होगा, लाइट मिनट जो डिस्टेंस होगा, उसको 8 times उतना उतना दूरी है सन और अर्थ के बीच में, ठीक है, इसीलिए 8 मिनट लगता है उसको, ठीक है। तो 1 मिनट में वो इतना दूरी ट्रेवल करता है, इतना मीटर्स ट्रेवल करता है। अगर इस सबको मल्टीप्लाई करो, 3 × 10⁸ × 60 अगर मल्टीप्लाई करो, सो दैट इज 1 light minute, सो दिस इज 1 light minute, है ना। तो अब सन और अर्थ के बीच में आपको पता है कि 8 मिनट लग रहा है हमको, तो कितना दूरी हो गया, 8 × 1 light minute, सो इट इज 8 light minutes, ठीक है। सो अर्थ और सन की डिस्टेंस कितनी होगी, 8 light minutes, ओके। सो कमिंग बैक टू 1 light minute इज सेम थिंग, इनटू 60 seconds वो मल्टीप्लाई कर दिया गया है बस, और ये इट विल कम इनटू 6 × 3 = 18, सो इट विल बी 18 × 10⁹ और 1.8 × 10⁹। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द, सो कमिंग टू द पार्सेक, सो पार्सेक जो होता है वो और भी ज्यादा दूरी को मेजर करने के लिए यूज होता है, ठीक है। अब हमारे पास लाइट ईयर हो गई, तो लाइट ईयर से भी अगर कुछ चीजें दूर है, जैसे कि अगर कोई दूसरी गैलेक्सी में कोई चीज़ है, ठीक है, हमारे जो सोलर सिस्टम है उसमें तो सन हो गया, अर्थ हो गया, मून हो गया, तो ये सारे, इनका डिस्टेंस हम तो लाइट ईयर से मेजर कर लिए, ठीक है, सन और अर्थ के बीच में हमने लाइट ईयर से मेजर किया, है ना, और लाइट सेकेंड से मेजर किया या लाइट मिनट से मेजर किया, तो वो डिस्टेंस मेजर किया। अब अर्थ से लेट्स से अगर प्लूटो तक की डिस्टेंस हो गई या फिर नेपच्यून की डिस्टेंस हो गई, तो वो सब लाइट ईयर में आपका मेजर होगा, बट अगर कोई और भी दूर चीजें हैं, जैसे कि लेट्स से अगर किसी दूसरे गैलेक्सी में है, हमारा तो मिल्की वे गैलेक्सी है, अब देर आर मेनी 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 मोर अनकाउंटेबल गैलेक्सीज इन दिस यूनिवर्स, ठीक है। तो अब अगर किसी और यूनिवर्स की या किसी और गैलेक्सी, नॉट यूनिवर्स बट किसी और गैलेक्सी की अगर हम डिस्टेंस को नापेंगे यहाँ से, ठीक है, सो दैट इज इन पार्सेक, ओके, दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन पार्सेक, ठीक है। तो होता क्या है ना, जैसे कि आपका सन है, ठीक है, और अर्थ है, ठीक है, तो सो ओके, वी विल सी, वी विल सी, सो देयर इज अ स्मॉल वीडियो दैट आई फाउंड विच कुड बी हेल्पफुल, ठीक है, जिससे आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी, तो वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। सो लेट्स वॉच दिस, ओके, सो दिस इज अबाउट पार्सेक।
ठीक है, सो देयर सेइंग दैट पैरेलैक्स इज पैरेलैक्स ऑफ वन आर्क सेकेंड. सो इट्स अ लिटिल कॉम्प्लेक्स थिंग, बट आप आर्क सेकेंड को याद रखो कि वन आर्क सेकेंड, ठीक है. और ये बस टर्म जो है आपका पारसेक, ये आया है पैरेलैक्स ऑफ वन सेकेंड से, ठीक है. सो व्हाट्स अ पैरेलैक्स, वी विल सी व्हाट्स अ, वी डोंट नीड टू एक्चुअली गेट इन टू वॉट इज अ पैरेलैक्स, ठीक है. बट यू नीड टू रिमेम्बर दैट देर इज अ एंगल इन्वॉल्व, ठीक है. यहाँ पे एक एंगल होगा, सो देर विल बी अ ट्राइंगल, ठीक है. और ट्राइंगल का एक एंगल जो है उससे हमको डिस्टेंस पता चलेगी, ठीक है. ओके, सो पैरेलैक्स ऑफ वन आर्क सेकेंड, सो दिस इज वॉट इट इज. ओके, सो लेट्स सी. सो ये दो टर्म है आपका पारसेक, अगर आप इसको इसको ब्रेक करेगा पार और सेक में, सो इट्स कमिंग फ्रॉम दीज टू वर्ड्स, पैरेलैक्स ऑफ वन आर्क सेकेंड, ठीक है, फ्रॉम दीज टू. ओके, सो ओके, सो एक्चुअली वन पारसेक होता कितना है, कितना दूर हो गया वन पारसेक. ओके, इफ यू से वन पारसेक, सो हाउ मच लेंथ इज एक्चुअली वन पारसेक. ओके, सो लेट्स सी. सो अब हम अपने सोलर सिस्टम में आ जाते हैं, और ये सन है और ये अर्थ आप सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है. सो आपको पता है कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होता है ना, आपको पता है कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है वो सन और अर्थ के बीच में एवरेज डिस्टेंस होती है, ठीक है, और मीन डिस्टेंस होती है. ओके, तो दिस इज ऑलमोस्ट 1.496, ठीक है, किलोमीटर्स. 1.496 इन्होंने मिलियन किलोमीटर्स लिखा है, यानी इंटू 10^6 हो गया है, ठीक है. तो हमने यहाँ पे 1.496 पढ़ा है ना, हमने वन यहाँ पे 1.496 इंटू 10^11 मीटर्स हो गया, ठीक है. अगर इसको किलोमीटर में आप कन्वर्ट करोगे तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, ठीक है. तो इसलिए यहाँ पे मिलियन किलोमीटर हो. तो दिस इज वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, है ना. इट्स अ डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. ओके, नाउ लेट्स से अगर आप अर्थ के ऊपर खड़े हो, ठीक है, अगर आप अर्थ के ऊपर खड़े हो और आप किसी दूसरे किसी किसी एस्ट्रोनॉमिकल थिंग को अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो अर्थ से, ठीक है. सो देर इज अ ट्राइंगल दैट इज फॉर्मिंग. ओके, देर इज अ ट्राइंगल दैट इज फॉर्मिंग बिटवीन द सन अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो. जो भी ऑब्जेक्ट को आप अगर ऑब्जर्व कर रहे हो, लेट्स से यू आर ऑन द सन एंड यू ऑब्जर्विंग समथिंग विच इज हियर, लेट्स से इफ द ऑब्जेक्ट इज हियर, ठीक है, अगर वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ठीक है, और आप सन से अर्थ से आप इसको एक टेलीस्कोप से आप इसको देख रहे हो, ठीक है. सो यू आर एक्चुअली मेकिंग अ ट्राइंगल, है ना. और आप अर्थ से यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन अगर ड्रॉ करोगे, अर्थ से आप यहाँ पे खड़े हो और आप यहाँ से इसको ऑब्जर्व कर रहे हो, तो देर इज अ डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, तो देर इज अ डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कोई एक दूरी होगी, ठीक है. लेट्स से अगर वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ठीक है, तो अगर वो यहाँ पर है तो उसकी दूरी दूरी यहाँ से हम नाप सकते हैं, ठीक है, विच इज इक्वल टू वॉट, 1.496. क्यों? क्योंकि अगर लेट्स से ये एंगल अगर आपका 45 डिग्रीज होगा, लेट्स से अगर ये एंगल आपका 45 डिग्री है, ठीक है, तो ये एंगल जो होगा आपका 90 डिग्री होगा, है ना. दिस एंगल इज 90 डिग्री, क्योंकि ये अगर परपेंडिकुलर है और ये दोनों तो इस केस में क्या होगा, ये साइड जो है आपका, ये साइड और ये साइड बराबर होगा, ठीक है. सो दिस एंगल विल ऑल्सो बी 45 डिग्रीज. क्यों? क्योंकि टोटल एंगल जो ट्राइंगल का होता है वो 180 डिग्रीज होती है, ठीक है. सो 45 + 45 + 90 = 180, है ना. तो अगर ये आपका एंगल 45 डिग्री है तो आप इस एंगल को ऑब्जर्व करना, ठीक है. अगर और ये कोई भी ऑब्जेक्ट अगर और भी दूर रहेगी तो एंगल चेंज होगा, ये एंगल दिस एंगल विल चेंज. सो अगर किसी ऑब्जेक्ट की दूरी अगर वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है अर्थ से, ठीक है, देन दिस एंगल विल बी 45 डिग्रीज, ठीक है. अब हम आगे देखते हैं. लेट्स से अगर वो जो ऑब्जेक्ट है वो और भी दूर रहा तो क्या होगा, ठीक है. सो अभी अभी हम हमारा ये ऑब्जेक्ट सॉरी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, इसलिए मेरा वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गया इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, ठीक है.
अगर लेट से इसको हम दूरी और बढ़ा देते हैं, अगर लेट से ये और दूर जाता जाता, देखो जैसे ही आप और दूर जा रहे हो तो ये एंगल जो है वो और छोटा होता जा रहा है, दिस एंगल इज डिमिनिशिंग, है ना। तो ये एंगल और छोटा होते जा रहा है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस जैसे ही आपका बढ़ते जाएगा तो ये एंगल जो है आपका 60 से बड़ा हो जाएगा, ये एंगल जो है लेफ्ट साइड में, ये एंगल आपका 60, ये आपका 45 डिग्री से और भी बड़ा एंगल हो गया, तो और ये एंगल जो है आपका छोटा होता जाएगा, क्योंकि ये एंगल जो है अर्थ और सन का, तो ये एंगल तो कॉन्स्टेंट है एट 90 डिग्रीज, ठीक है। तो ये तो चेंज होने वाला नहीं है ना। तो ये एंगल और ये एंगल चेंज होगी, तो ये दोनों एंगल आपकी चेंज होगी, ठीक है। तो ये एंगल अगर आपका और छोटे, अगर ऑब्जेक्ट और ये डिस्टेंस और बढ़ता जाएगा, अगर ये आपका परपेंडिकुलर जो है वो और बड़ा होते जाएगा, तो ये एंगल जो है आपका और छोटा होते जाएगा, ठीक है। सो लेट्स से इफ द ऑब्जेक्ट इज इवन फर्दर अवे, और या फिर अगर इफ इट इज कमिंग क्लोजर टू द अर्थ, देन इट इज दैट एंगल इज इंक्रीजिंग, ठीक है। और इफ इट्स गोइंग अवे फ्रॉम अर्थ देन द एंगल इज डिक्रीजिंग, ठीक है। तो इस बेसिस पे वो लोग जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो लोग इसकी दूसरे ऑब्जेक्ट्स की डिस्टेंस मेजर करते हैं, ठीक है। बिकॉज दोज डिस्टेंसेज आर वे बियॉन्ड लाइट ईयर, वो लाइट ईयर से भी दूर है, ठीक है। तो अब कुछ ऐसा चीज हमको निकालना है जिससे हम उस डिस्टेंस को इजीली मेजर कर सके, ठीक है। तो उसलिए हमारा पार्सेक यूज होता है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे लेट्स से इफ यू आर ट्राइंग टू ऑब्जर्व, इफ यू आर ट्राइंग टू मेक दैट एंगल एज, सो दिस एंगल इज ऑलमोस्ट, दिस एंगल इज 30, ओके, एंड दिस एंगल इज 60, ठीक है। सो इफ द एंगल इज 60 देन द डिस्टेंस इज ऑलमोस्ट दिस, 86 मिलियन किलोमीटर्स, ठीक है, 86 मिलियन किलोमीटर्स। आपको पता है कि 1.49 मिलियन किलोमीटर्स कब होगी, जब एंगल इज 45 डिग्रीज, ठीक है, क्योंकि वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यहाँ से मिल गया, और अगर ये दोनों साइड्स बराबर होंगी तो एंगल तो 45 डिग्री होगा दोनों का, और वो डिस्टेंस आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होगा। तो इन केस अगर आपको और भी दूर जाना है, आपको और जैसे ही आप डिस्टेंस, देखो डिस्टेंस आप बढ़ा रहे हो, तो अगर डिस्टेंस आप 45 डिग्रीज तक पहुंचे, एंगल 45 डिग्रीज पे आपका एंगल है, तो आपका डिस्टेंस वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गया, ठीक है। अब आप अगर और दूर की ऑब्जेक्ट्स को आप डिस्टेंस मेजर करना चाह रहे हो, तो देखो आपका डिस्टेंस बढ़ रहा है और एंगल धीरे धीरे छोटा हो रहा है। एंगल अगर ये 30 डिग्री एंगल हो गया, तो दैट मीन्स आपका ये जो परपेंडिकुलर है, ये जो डिस्टेंस है, सो दैट इज 259 किलोमीटर। सो ये सब कैलकुलेटेड है, यू कैन कैलकुलेट, ठीक है, बाय यूजिंग द वो होता है ना पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम से यूज करके आप इस ट्राइंगल का साइड्स को मेजर कर सकते हो, है ना। ओके, सो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, दोनों साइड्स का स्क्वायर लेते हैं, उसको सम करते हैं, विच इज इक्वल टू द हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि आप ये डिस्टेंस लेट से एक्स ले लो, और इस डिस्टेंस को आप लेट से वाई ले लो, ठीक है। तो और इस डिस्टेंस को अगर आप एच ले लो, ये डिस्टेंस जो है, ये ट्राइंगल जो, ये एंगल, ये जो साइड है, तो एच इक्वल्स टू वॉट, एच इट वुड बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एच स्क्वायर होता है एक्चुअली, और ये रूट ओवर हो जाएगा, ठीक है। सो एच स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये दोनों डिस्टेंस की अगर आप स्क्वायर लेके सम करोगे तो आपको इस डिस्टेंस का स्क्वायर मिल जाएगा, अगर आप रूट ओवर उसको कर दोगे तो वो आपको वो डिस्टेंस मिल जाएगा। तो दैट इज वॉट पाइथागोरस थ्योरम इज, ठीक है। तो अभी लेट्स से अगर आप डिस्टेंस 30 डिग्री पे एंगल रहेगा तो आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है। तो एंगल कॉन्सेप्ट भी आता है बाद में, बट लेट्स सी। तो अगर लेट्स से अगर वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो है, अगर आप और बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, इतना बढ़ा दो कि जो ये एंगल है आपका 30 डिग्री से भी छोटा होके ये 1 डिग्री हो जाए, ठीक है। सो दैट एंगल इज लाइक 1 डिग्री नाउ। सो लेट्स से इफ इफ द ऑब्जेक्ट इज इवन फर्दर अवे एंड दिस एंगल बिकम्स एज स्मॉल एज 1 डिग्री, तो अगर आप, आपके पास वो है ना आपका वो प्रोट्रैक्टर होता है ना, ठीक है, सो विच इज अ सेमी सर्कल विच यू गेट इन द ज्योमेट्री बॉक्स, है ना। तो उसमें आप देखो कि एक एंगल कितना छोटा होता है ना, 30 डिग्री 60 डिग्री है ना उसमें, तो एक एंगल जो है उस स्केल में जो आपका सेमी सर्कल वाला है, ठीक है, तो उसमें एक एंगल इज वेरी स्मॉल,
तो अगर आप वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इतना दूर है कि इट दिस एंगल बिकम्स 1 डिग्री, ओके, सो देन दैट डिस्टेंस बिकम्स 1 पार्सेक। ठीक है, तो आप एक्चुअली यूनिवर्स इज बहुत बहुत छोटा होता है, ठीक है, सॉरी बहुत ही बड़ा है और बहुत ही दूर है। ठीक है, तो अगर ये एंगल 1 एंगल अगर हो जाता है, 1 डिग्री वो एंगल हो जाता है, ठीक है, तो डिस्टेंस जो होता है आप और बढ़ाते, जितना दूर आप जाओगे तो वो एंगल और भी छोटा होता जाएगा। तो दिस इज द एंगल एक्चुअली विच इज 1 पार्सेक। ठीक है, सो वन वन जो एक एंगल जो है, जो जो आपका जो एंगल हो जाएगा थीटा जो हो जाएगा एंगल, इट इज एज स्मॉल एज 1/3600 degrees। ठीक है, सो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज है, बट अभी के लिए कुछ हम लोग याद कर लेते हैं इसको। ठीक है, सो द एंगल बिकम्स ऑल इवन डिग्री से भी छोटा, 1 डिग्री से भी छोटा हुआ गया वो, है ना, 1 डिग्री से भी 3600 टाइम्स डिवाइड कर दो आपको, है ना, तो वो कंपास आपका जो प्रोटेक्टर है, जो जो वो सेमी सर्कल है, ठीक है, जो आपका ज्योमेट्री बॉक्स में है, उसका एक जो एंगल है 1 डिग्री जो एंगल है उसका, 1 डिग्री एंगल, आप उसको भी 3600 टाइम्स डिवाइड कर दो, सोचो उतना छोटा उतना माइन्यूट हो जाएगा वो। ठीक है, उसको अब अभी आप 3600 टाइम्स डिवाइड कर दो तो ये जो एंगल आपका बन रहा है दैट इज वन एंगल। ठीक है, जो यहाँ पे एंगल आपका मेंशन किया हुआ है, है ना, सो 1 पार्सेक इज व्हाट, 1 पार्सेक इज द डिस्टेंस फ्रॉम वेयर द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ, सो विच इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, एंड सो इट इज डिस्टेंस एक्चुअली और एक्सिस ऑफ द अर्थ है, सो अर्थ का एक्सिस जो है वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। ठीक है, विच वी हैव ऑलरेडी सीन। ठीक है, सो सबटेंस एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड, सो 1 सेकेंड का एंगल अब क्या होता है, 1 सेकेंड का एंगल जो होता है, ठीक है, 1 सेकेंड का जो एंगल है अब 1/3600 हो जाएगा, और ये 3600 कहां से आया, 60 × 60। ठीक है, सो 1/60 × 60 इज व्हाट, 1/3600। ठीक है, ओके, सो दिस इज 1 आर्क सेकेंड, है ना, 1 आर्क सेकेंड है ये, इसीलिए सेकंड में हम इसको कन्वर्ट किए हैं बाय डिवाइडिंग इट इनटू 60 × 60। ठीक है, तो ये जो एंगल हमारा बना वो इवन 1 डिग्री से को भी आप 3600 टाइम्स डिवाइड कर दो, जो एक सिंगल डिग्री है इतना छोटा उसको भी आप 3600 टाइम्स अगर डिवाइड कर दो दैट इज 1 आर्क सेक। ओके, सो दैट इज 1 आर्क सेक। तो ये जो डिस्टेंस है आपकी इस ऑब्जेक्ट से, सोचो वो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट कितना दूर होगा, तो इस ऑब्जेक्ट से जो आपकी अर्थ की जो दूरी है ना, इस ऑब्जेक्ट से जो भी आप एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट से आपकी जो अर्थ की जो डिस्टेंस है इस एंगल पे, कितने एंगल पे, 1/3600 degrees पे, है ना, 1/3600 degrees पे, तो जो डिस्टेंस होगा दैट इज एक्चुअली 1 पार्सेक। ठीक है, सो दिस विल बी 1 पार्सेक। ओके, सो इट माइट टेक सम टाइम टू डाइजेस्ट, ओके, बट आप उसको केयरफुली सोचो। ठीक है, तो आप अर्थ से यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है, आप उसको केयरफुली सोचो तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ सकता है। ठीक है, एट द फर्स्ट इंस्टेंस, ठीक है, सो दैट इज वाई, तो 1 पार्सेक हो गया ये, है ना, 1 पार्सेक, सो ये जो डिस्टेंस है, सो विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 3.26 टाइम्स लाइट ईयर, यानी लाइट को ट्रैवल करने में कितने, 3.26 साल लगेंगे लाइट को ट्रैवल करने में वहां तक, 3 साल तक अगर लाइट चलता रहा तो वहां पहुंचेगा। ठीक है, सो 3.26 ईयर्स तक अगर, 3 साल और कुछ महीने तक अगर लाइट चलता रहा तो उस ऑब्जेक्ट तक पहुंचेगा लाइट, इवन लाइट विच इज सो फास्ट। ठीक है, तो वो सब चीजों की जो डिस्टेंस है वो सोचो आप कितना दूर है। ओके, सो दैट इज व्हाट 1 पार्सेक इज। ठीक है, ये और भी डिटेल में है, बट वी डोंट नीड टू गो इन सच डिटेल। ओके, सो हमारा जो बुक का जो स्कोप है हमको वहीं तक रहना है। ठीक है, सो जस्ट टू डाइसेक्ट दिस और
get the details of this पर्टिकुलर फॉर्मूला हियर, मैंने उतना सब कुछ आपको दिखाया, यह कि आपको पता होना चाहिए कि ये वैल्यू कहाँ से आई, ये वैल्यू कहाँ से आई, ये वैल्यू कहाँ से आई, ठीक है। तो अब आप इसको क्या करोगे कि वन पार्सेक जो है आपका डिस्टेंस है ना, तो आप इसको सेम फॉर्मूला में डालो, विच इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। तो अगर स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस विल बी इन द, लेट्स से सो स्पीड इक्वल्स टू अगर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, सो डिस्टेंस विल बी व्हाट, स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा ना, ठीक है। तो उस फॉर्मूला में अगर आप डालो, तो इसीलिए ये ओके, तो ये जो आपका 1.496 इनटू 10 टू पावर 11 मीटर्स है, तो ये कहां से आ रहा है, दिस इज द एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, ठीक है। तो वन पार्सेक का डेफिनेशन क्या हुआ, सो वन पार्सेक इज द डिस्टेंस फ्रॉम वेयर द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ ऑर्बिट ऑफ अर्थ, सेमी मेजर एक्सिस मतलब इन्होंने एक्चुअली एवरेज नहीं बोला है, बट सेमी मेजर एक्सिस बोल दिया, जैसे कि लेट्स से व्हाट इज सेमी मेजर एक्सिस, हम दिखाते हैं आपको, तो जैसे लेट्स से ओके, सो व्हाट इज सेमी मेजर एक्सिस, तो अभी आप अर्थ की जो ऑर्बिट आप देख रहे हो यहां से यहां तक जो ऑर्बिट है, तो आपका ऑर्बिट, एक आपका माइनर ऑर्बिट होता है और एक मेजर ऑर्बिट होता है, ठीक है, क्योंकि एक एक ऑर्बिट इस तरफ यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है वो छोटी होती है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो होती है वो बड़ी होती है, इसीलिए इसको मेजर बोला जाता है और इसको माइनर बोला जाता है, ठीक है। माइनर क्योंकि दिस इज द पॉइंट वेयर अर्थ इज क्लोजेस्ट टू द सन, इसीलिए इसको माइनर बोला जाता है, और दिस इज द डिस्टेंस वेयर द अर्थ इज फारदेस्ट फ्रॉम द सन, इट इज, इसीलिए इसको मेजर बोला जाता है, ठीक है। तो मेजर इन्होंने ले लिया, बट एवरेज भी होता है, ठीक है। एवरेज अभी क्योंकि बुक में लिखा था कि एवरेज डिस्टेंस इतना है, तो हम लोग एवरेज ही लेके चल रहे हैं, बट यहाँ पर डेफिनेशन में इन्होंने फिर अभी कहा है कि इट्स अ सेमी मेजर एक्सिस, सो दिस इज वॉट दे मीन बाई द सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। अब सेमी क्यों हुआ, क्योंकि मेजर एक्सिस तो यहाँ से यहाँ तक पूरा है ना, तो उसको बस बाय टू कर दिया इन्होंने, तो इसीलिए सेमी मेजर एक्सिस हो गया, ओके। होपफुली दैट इज क्लियर, इफ नॉट वी कैन डिस्कस अगेन, ठीक है। सो कमिंग बैक टू पार्सेक, सो वन पार्सेक इज द डिस्टेंस फ्रॉम वेयर द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ अर्थ, ओके, विच इज वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जो हम लोगों ने देखा है, डिस्टेंस फ्रॉम वेयर द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द अर्थ सबटेंड्स एन एंगल ऑफ वन सेकेंड, ठीक है। तो सेमी मेजर एक्सिस ऑफ अर्थ जो है वो उतना एंगल बनाएगा, ठीक है। तो सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द अर्थ जो है वो उतना एंगल आपका बनाएगा, कितना एंगल बनाएगा, दैट एंगल इज वन डिवाइडेड बाय 3600 डिग्रीज, ठीक है, विच इज एक्चुअली कॉल्ड एज वन आर्क सेकेंड, ठीक है, और द एंगल ऑफ वन सेकेंड, सबटेंड्स एन एंगल ऑफ वन सेकेंड, ठीक है। सो क्योंकि ये सेकेंड है, इसलिए हम डिवाइड कर रहे हैं 3600 से, ठीक है। तो आप ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, आपको पता चला कि ये कहाँ से आया एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, है ना, ये कहाँ से आया 1.496 इंटू 10 पावर 11, ये हमने पहले ऊपर देख चुका है, ठीक है। अब इस 3600 कहाँ से आया, क्योंकि वन एंगल ऑफ वन सेकेंड है, इसलिए इसको हम लोग 1/3600 से डिवाइड कर दिया, तो ये स्टिल दिस इज इन डिग्रीज, तो क्योंकि ये डिग्रीज में है, ठीक है। अब हमको डिग्रीज से अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो हम इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या होता है, कि लेट्स सी, तो रेडियन किसी भी चीज़ को अगर आप डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करोगे, तो वो कैसे होता है, जैसे कि लेट्स सी अगर आपके पास 30 डिग्री है, ठीक है, आपने अपने कंपास से 30 डिग्री बनाया, ठीक है। सो 30 डिग्री को आप अगर आप रेडियन से रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ा अगर चाहते हो, तो 30 आप क्या करोगे, इसको पाई बाय 80 से, पाई बाय 180 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो ये रेडियंस में हो जाएगा, ठीक है। सो नाउ दिस विल बी कमिंग टू, नाउ द आंसर विल बी इन रेडियंस, ठीक है। तो आगे भी अगर आपको किसी चीज़ को रेडियंस डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना हो, ओके, दिस इज द एंगल डिग्री, नॉट द टेम्परेचर डिग्री, ठीक है। सो दिस इज थीटा, दिस टर्म इज कॉल्ड एज थीटा, ठीक है। और इस एंगल को अगर आप कन्वर्ट करना चाह रहे हो रेडियंस में, तो पाई बाई 180 से आप उसको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे पाई बाय 180 डिग्री आया है,
ओके, सो दैट इज व्हाई द पाई बाय 180 डिग्री इज देयर. अब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो दिस ऑल्सो अप्रोक्सीमेट्स टू 3.08 इंटू 10 पावर 16 मीटर्स, ठीक है, विच इज 3 टाइम्स द लाइट ईयर. ओके, ओके, अब पाई की वैल्यू कितनी होती है? ओके, सो पाई की वैल्यू कितनी होती है? यू कैन इजली रिमेंबर, यू हैव टू रिमेंबर दिस पाई की वैल्यू एक्चुअली, ठीक है. सो पाई की वैल्यू एक्चुअली होती है 3.14, ठीक है, विच इज 22/7 एक्चुअली, ठीक है. तो पाई की वैल्यू हो जाती है आपकी 22/7. तो अगर आपको एक्चुअली में ये कैलकुलेट करना है तो या तो आप इसको रिप्लेस कर दो 3.14 से, ठीक है, या फिर आप इसको 22/7 से कर दो, ठीक है. तो वो चीज यहां से आ रही है, ठीक है. सो पाई को रिप्लेस कर देते हैं आप 3.14 से या 22/7 से, देन इफ यू कैलकुलेट एवरीथिंग इट विल कम टू दिस, ठीक है. ओके, नाउ अब ये तो आंसर आपका मीटर्स में आया, ठीक है, दिस आंसर इज इन मीटर्स. अब अगर मीटर्स को आप लाइट ईयर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो लाइट ईयर को हमने पहले यहाँ पे डिफाइन कर दिया है कि लाइट ईयर में कितना होता है ना. तो एक लाइट ईयर में 9.46 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर्स होते हैं. इतने किलोमीटर्स होते हैं, है ना, तो यानी कि इतने मीटर्स हो गए इसको, और 1000 से आप कर दो तो 9.46 इंटू 10 पावर 15 मीटर्स होते हैं, ठीक है. तो इसीलिए यहाँ पे इन्होंने 9.46 इंटू 10 पावर 15 लिखा है, ठीक है. तो ये अब इन्होंने इस मीटर को लाइट ईयर में कन्वर्ट किया, ठीक है. तो ये जो 3.08 इंटू 10 पावर 16 मीटर्स जो आया है, अब इसको आप लाइट ईयर में कैसे कन्वर्ट करोगे, ठीक है. तो आप इसको डिवाइड कर दो, वो जो लाइट ईयर की जो डिस्टेंस है, पर एक लाइट ईयर की कितनी डिस्टेंस होती है, आप उसको उससे डिवाइड कर दो, ठीक है. दिस इज सिमिलर टू, अगर आप लेट्स से अगर आप मीटर को आप अगर आप किलोमीटर में कन्वर्ट कर रहे हो, है ना, तो 1 मीटर को आप किलोमीटर में कन्वर्ट करते हो तो कितना रहता है, 1000, लेट्स से 1 मीटर को 1 किलोमीटर को अगर आप मीटर में करते हो तो 1000 मीटर्स होता है ना. तो यानी कि 1 मीटर कितना हो गया, 1 डिवाइडेड बाई 1000 किलोमीटर, है ना. तो उसी तरह से यहाँ पे आपका एक लाइट ईयर में इतना डिस्टेंस होता है, ठीक है. तो अब इतने सारे लाइट ईयर्स में, अगर ये लाइट ईयर से, अगर लेट्स से दिस इज बिगर द लाइट ईयर, सो इसको आप लाइट ईयर से डिवाइड करोगे तो ये जो यूनिट है आपका लाइट ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ लाइट ईयर इन मीटर्स. एक लाइट ईयर में कितने मीटर होते हैं, इज 9.46 इनटू 10 पावर 15 मीटर्स, ठीक है. तो अगर इफ यू वांट टू कन्वर्ट दिस मीटर्स पारसेक इनटू लाइट ईयर, तो आप उसको लाइट ईयर में जितने मीटर्स होते हैं उसे डिवाइड कर दो, तो 3.26 टाइम्स लाइट ईयर होता है. ओके, ओके, सो होप दिस इज नॉट टू मच, बट ओके. सो अभी आगे और भी है, विच इज आर्मस्ट्रांग एंड फर्मी. ओके, आई थिंक फॉर दिस सेशन इट्स इनफ फॉर दिस सेशन. ओके, सो हम लोग नेक्स्ट सेशन में आगे आर्मस्ट्रांग और फर्मी और आगे की चीजें पढ़ेंगे. ओके, इसमें आपका क्विंटल, मिलीग्राम्स, ग्राम्स, दीज आर सिंपलर थिंग्स एज कंपेयर टू पारसेक, डेफिनेटली, ठीक है. फिर अब ये नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग यूनिट ऑफ मास पढ़ेंगे, ठीक है, या फिर इस सेक्शन को हम लोग कंप्लीट कर देते हैं एंगस्ट्रॉम और फर्मी से, ठीक है. सो एंगस्ट्रॉम, अब इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे हम. एंगस्ट्रॉम इज सिंपली जस्ट 10^-10 ऑफ द मीटर, ठीक है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है. एंगस्ट्रॉम 10^-10, दैट्स इट, ठीक है, आई विल नॉट कॉम्प्लिकेट इट मोर. सो इट इज एक्सप्रेस एज अ सिंबल, सो इट हैज एंगस्ट्रॉम एज अ सिंबल, ए उसके ऊपर एक आप डिग्री बना दो, ठीक है. सो दैट इज अ सिंबल ऑफ एंगस्ट्रॉम.
ओके, अब आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो या किलोमीटर में करना चाहते हो, अप टू यू. सो यू कैन डू दैट बाय मल्टीप्लाइंग विथ वॉट एवर यू वॉन्ट इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 100, इन टर्म्स ऑफ मिलीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 1000. ठीक है, तो आपका 10 का पावर जो है चेंज हो जाएगा. इफ़ यू वॉन्ट टू कन्वर्ट इन टू माइक्रॉन, दिस इज 10^-6 meters. ठीक है, सो आप ये एंगस्ट्रॉम का वैल्यू आप निकाल सकते हो. नैनोमीटर्स में ये और भी कम हो जाएगा. ठीक है, अभी इन दोनों के बीच में 3 जीरोस का डिफरेंस होगा, नैनोमीटर और माइक्रोन के बीच में. क्यों? माइक्रोन क्या होता है 10^-6, और नैनो क्या होता है 10^-9. ठीक है, दोनों के बीच में कितने जीरोस के डिफरेंस है? 3. इसलिए यहाँ पे 10 और 10,000 के बीच में 3 के डिफरेंस है, 3 जीरोस के डिफरेंस है. ठीक है, ओके. सो अब इसको हम लोग उतना कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं. तो नाउ डेज एंगस्ट्रॉम इज आउटडेटेड एंड द नैनोमीटर इज प्रिफर्ड. सो अब नैनोमीटर प्रिफर्ड होता है, एंगस्ट्रॉम इज लिटिल आउटडेटेड. सो अभी जो भी चिप्स वगैरह जो बन रहे हैं या फिर, तो उसको बोला जाता है नैनो चिप्स या नैनो टेक्नोलॉजी. तो वो नैनो कहाँ से आ रहा है? इज फ्रॉम दिस नैनोमीटर. ठीक है, यानी कि आप समझिए कि उस जो चिप्स हैं वो इतने छोटे हैं कि दे कैन बी मेजर इन नैनोमीटर्स, विच इज 10^-9. है ना, वो कितने छोटे, 10^-9 meters. यानी आप 1 meter को आप 1 billion times से डिवाइड कर दो तो उतने छोटे होते. ओके, सो दैट्स व्हाई नैनोमीटर इज प्रेफर्ड ओवर द एंगस्ट्रॉम. एंगस्ट्रॉम यूज नहीं होता, बट फॉर नॉलेज यू हैव टू रिमेंबर द सिंबल एंड व्हाट इज इट्स वैल्यू. 10^-10 meters इज एंगस्ट्रॉम. ओके, एंड वेव लेंथ ऑफ लाइट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वेव लेंथ ऑफ लाइट जो भी होती है, इंटर एटोमिक जो होता है, इंटर मॉलिकुलर चीज़ें जो होती है, उसको मेजर करने के लिए एंगस्ट्रॉम का वाइडली यूज होता है. ठीक है, जो हमने वेव लेंथ बताया था आपको कि वेव लेंथ कैसे होता है. ठीक है, वेव लेंथ कैसे रेडिएट होता है, लाइट्स कैसे रेडिएट होती है. ठीक है, तो वहाँ पे जब हम मेजरमेंट्स लेंगे, तो वहाँ पे जो हम चीज़ों को जब स्टडी करेंगे, तो वो मोस्टली एंगस्ट्रॉम में होता है. ठीक है, होता था जब जब इट वॉज डिस्कवर्ड. ठीक है, सो इंटर एटोमिक एंड इंटर मॉलिकुलर सेपरेशंस, वो चीज़ों को जब वेव लेंथ ऑफ लाइट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो वो सबको हम एंगस्ट्रॉम में मेजर करते हैं. ठीक है, सो वेव लेंथ ऑफ लाइट, इंटर एटोमिक और इंटर मॉलिकुलर सेपरेशन एट्सेट्रा आर नाउ कॉमनली एक्सप्रेस्ड इन नैनोमीटर्स. तो ये सब चीज़ें हमें नैनोमीटर में एक्सप्रेस करते हैं. ठीक है, अब फर्मी आ गया. ठीक है, तो फर्मी, जस्ट आई नो इट्स अ लिल टू मच, बट ठीक है. फर्मी, अब फर्मी क्या होता है? सो इट इज 10^-15 पार्ट ऑफ अ मीटर. अब मीटर को सिंपली आप 10^15 से डिवाइड कर दो, सो इट बिकम्स 10^-15. ठीक है, सो फर्मी, जस्ट टू रिमेंबर, यू हैव टू रिमेंबर 10^-15. एंगस्ट्रॉम इज 10^-10. ठीक है, एंगस्ट्रॉम इज 10^-10, फर्मी इज 10^-15. ओके, एज सिंपल एज दैट. एंड द कॉमनली यूज्ड स्मॉलर एंड बिगर यूनिट्स ऑफ लेंथ आर समराइज इन द बिलो फॉलोइंग टेबल. इस टेबल में वो सारी चीज़ों को उन्होंने समरी में दे दिया. ठीक है, एक जगह में, सो दैट यू कैन लुक एट इट एट वंस. ओके, अभी देखो यहाँ पे पार्सेक का इन्होंने एक्स्ट्रा डिटेल बताया है. पार्सेक इज कंस्टिट्यूटेड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, पैरेलैक्स जो कि हमने देखा, और आर्कसेक. ठीक है, आर्कसेक इज व्हाट? 1/3600 times of 1 degree. ठीक है, 3600 कहाँ से आ रहा है? 60 × 60, विच इज सेकेंड. ओके, सो होपफुली आपको ये समझ आया हो. अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा है, दैट इज़ वेरी ओके, दैट इज़ वेरी नॉर्मल. आप इसको फिर से देखिए, फिर से पढ़िए. ठीक है, होपफुली आपको वो समझ में आएगा. ठीक है, ओके, दैट इज़ ऑल फॉर दिस सेशन. आई नो इट्स अ वे टू लॉन्ग, बट होप यू गेट समथिंग आउट ऑफ इट. ओके, थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे.